We would like to kickstart this event of RoboWeek 2021. हाय गाइस, सो अभी मैं देख पा रहा हूँ आर्या राज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं आप. सो अभी इफ यू आर ऑल गाइस लाइक एबल टू हियर मी, सो कमेंट करके बताएंगे कि आप लोग अगर इफ आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू. यस अर्जुन, सरिका, वाइब्स पेन. अच्छा, एक्साइटेड है सब लोग कि नहीं? वेरी गुड विश्वजीत, एक्साइटेड है. ओके, सो वरुण, ओके, मैं देख पा रहा हूँ आर्या सबसे ज्यादा एक्साइटेड है. सो आज हम जो है एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? सो एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स वुड बी थोड़ा सा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, थोड़ा सा डिजिटल एंड थोड़ा सा आईओटी, ठीक है? सो दो घंटे में शायद दो या डेढ़ तीन घंटे जितने भी टाइम है हमारे पास, सो कोई एक टेक्नोलॉजी पे आप बहुत अच्छा कमांड नहीं पा सकते हैं, ठीक है? सो मेरा जो ऑब्जेक्टिव होगा पढ़ाने का एंड चीजें बताने का कि I just want to guide you people कि बहुत सारे लोग हैं जो प्रोजेक्ट्स, रोबोटिक्स, आईओटी ये सारी चीज़ें स्टार्ट करना चाहते हैं, बट वी डोंट हैव एन आइडिया ऑफ कि कहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है? यू वॉन्ट टू जम्प इन टू एनी टेक्नोलॉजी, इट माइट बी आईओटी, इट माइट बी एनीथिंग, सो दैट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू स्टार्ट. तो मैं आज एक स्टार्टर देने वाला हूँ कि सब लोग जो है कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? बिफोर दैट, सब एनआईटी हमीरपुर से ही हैं कि बाकी लोग कहीं और से भी हैं? सब लोग एनआईटी हमीरपुर से ही हैं. महिमा, रोबोसॉक ऑप्स ऑप, कमेंट में बताइए सब लोग एनआईटी हमीरपुर से ही हैं कि कोई कहीं बाहर से भी है. एनआईटीएच, एनआईटीएच, उज्जवल, NITH, NITH, आसाम से. ओ वाओ, ओके. सो अभी आप लोग अपने स्टेट के नाम डाल सकते हैं क्या कि किस स्टेट से हैं? मैं एक आइडिया लेना चाहता हूं अपनी ज्यादातर ऑडियंस किधर से है. स्टेट, नॉट स्पेसिफिकली अबाउट द कॉलेज, लोग रहते कहां से हैं, कहां से आप लोग आए हैं NIT में. इफ आई एम ऑडिबल, राजस्थान. वाओ, मैं राजस्थान में 2 साल रहा हूं. नाइस, गोरखपुर. नाइस,
बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, वेरी गुड, यूपी, बिहार, वेरी गुड. एंड ज्यादातर लोग किस ईयर से हैं? फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर? ईयर ईयर का पता चलेगा क्या? फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, किस ईयर में आप सब? सर कान तो साल राजस्थान. थर्ड ईयर, वेरी गुड. थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर से कोई है? फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर. फर्स्ट ईयर, विभूति, नाइस. विश्वाजित थर्ड ईयर, वरुण फर्स्ट ईयर, हार्दिक फर्स्ट ईयर. फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर वालों को ही मजा आएगा क्योंकि सेकेंड ईयर. फाइनल ईयर का कौन कौन है यहाँ पे? फाइनल ईयर का कौन कौन है? फाइनल ईयर से अगर कोई हो तो जल्दी से हाथ उठाइए, जल्दी से. फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर. आकाश, दीक्षा, आकांक्षा, विष्णु, आर्या राज, ओ ठीक है, महिमा गौर फर्स्ट ईयर, अंशु फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर, ठीक है ठीक है. फाइनल ईयर का भी हो कोई तो मुझे बता दे क्योंकि मैं फिर उसी तरीके से सेशन को ले जाऊंगा, ठीक है. फाइनल ईयर के लोग होंगे तो थोड़ा सा डिटेल में घुसूंगा टॉपिक के, नहीं तो थोड़ा सा उसी तरीके से सेशन को ड्राइव किया जाएगा, ठीक है. सो फाइनल ईयर से कोई नहीं है, ठीक है, वेरी गुड. तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ, फिर उसके बाद हम सेशन स्टार्ट करेंगे. सो माई नेम इज अनुभव और मैं एक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर हूँ. अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम इनटू आईओटी बहुत ज्यादा, ठीक है. मैं बहुत सारी कंपनीज के साथ काम कर चुका हूँ, अपग्रेड के साथ काम किया हूँ, फिर साइफर स्कूल के साथ करंटली काम कर रहा हूँ, एंड एज अ पार्ट टाइम बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएटेड हूँ पिछले 2-3 साल से. सो अपग्रेड का नाम कितने लोगों ने सुना है? अपग्रेड या साइफर स्कूल का, कितने लोगों ने अपग्रेड या साइफर स्कूल का नाम सुना है? अपग्रेड, साइफर स्कूल, साइफर स्कूल, अपग्रेड, ठीक है. सो हाँ, सो आई हैव वर्क्ड एज एन इलेक्ट्रॉनिक्स, दो सेकेंड, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, वेरी गुड आकाश. अच्छा थोड़ा सा डीले है मैसेजेस आने में. सो मैं एज अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज इन आईओटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जितने भी सारी प्रोजेक्ट्स हैं एंड इन सारी चीज़ों के अराउंड ही सारी चीज़ें हैं. एंड उसके अलावा मेरे कई सारे पेटेंट्स हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईओटी बेस पे ही, एंड देन रिटन सम ऑफ रिसर्च पेपर व्हाइल आई वाज इन कॉलेज. ऐसे ही जो भी अचीवमेंट है, एवरीथिंग इज रिवॉल्विंग अराउंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईओटी थिंग. ओके, सो ये तो हो गया क्विक इंट्रोडक्शन, ठीक है. ज्यादा जिसको जानकारी चाहिए होगी, यू ऑल कैन कनेक्ट विद मी ऑन मे बी लिंक्डइन, व्हाट्सएप, सॉरी नॉट व्हाट्सएप, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम. ओके, सो अभी मैं स्क्रीन शेयर करने वाला हूं योर कंप्यूटर. ओ, ये क्या है? अच्छा दो सेकेंड, मैं भी स्लाइड शेयर करने वाला हूं. दो सेकेंड, स्लाइड अपलोड हो रही है. ये मजा नहीं आएगा यार, ये जो जूम पे और गूगल मीट पे होता है ना, कि वहां पे आप तुरंत ही स्क्रीन शेयर करके दिखा सकते हैं, ये स्ट्रीम यार्ड पे मुझे सारी स्लाइड्स पहले अपलोड करना होगा एंड देन आई विल बी एबल टू शो इट. स्लाइड दिख रही है सबको? स्लाइड दिख रही है सबको? स्लाइड दिख रही है सबको? लेट मी नो. मैं स्ट्रीम यार्ड पे पहली बार कर रहा हूँ सेशन, सो यस, ठीक है, वेरी गुड. सो ये सारी बहुत सारी बेसिक चीजें हैं कि वाई साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी एंड बहुत ही बेसिक चीजें हैं. सो कोई गेस करेगा कि साइंस क्या होता है?
What is science? Any guesses? साइंस क्या है? साइंस साइंस कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी जल्दी, एक दो वर्ड में, तीन वर्ड में. द प्राइम गेमर, अभिषेक, महिमा, विष्णु, आर्या, राज, ठीक है, आकाश, महिमा, ठीक है. साइंस कोई बताएगा क्या क्या है? साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, कोई भी चीज, ठीक है. आकाश ट्राइंग टू एक्सप्लेन एवरीथिंग, trying to explain everything. और कोई? Everything has a science. Prime gamer. Science is learning about our environment. अच्छा चलिए देखते हैं. So, science systematic and reasoned investigation of phenomena resulting in prediction. So simply science क्या है कि जब भी आपके दिमाग में कोई question आता है, ठीक है, कि कोई भी इनोवेशन को लेके या कोई भी चीज फाइंड आउट करने के लिए या किसी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आपको लगता है कि यार इस चीज को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, और उसको सॉल्व करने के लिए जब आप सिस्टमैटिक तरीके से उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, दैट इज ओनली साइंस. ठीक है, ये तीन चीजें साइंस, टेक्नोलॉजी, बहुत बेसिक चीजें. मैं सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोग को बताना चाह रहा था कॉन्सेप्ट बिहाइंड एवरीथिंग. यस, तो ऑलमोस्ट सबको क्लियर होगा कि जब भी आपके दिमाग में कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट आता है एंड देन यू ट्राई टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन इन अ सिस्टमैटिक एंड रीजन वे, सारे प्रिडिक्शन और सारे रिजल्ट्स को लेके, दैट इज ओनली साइंस एंड बेसिकली बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स. ठीक है, नाउ व्हाट इज इंजीनियरिंग? सो इट इज लाइक साइंस के आगे जब आप थोड़ा सा बढ़ते हैं, सो दैट इज ओनली इंजीनियरिंग. सो क्रिएटिव एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स टू डिजाइन एंड डेवलप स्ट्रक्चर. सो अगर आप देखे होंगे कि जितने भी इनोवेशन या जितनी भी टेक्नोलॉजी आती है उससे पहले कहीं ना कहीं कुछ रिसर्च पेपर लिखे जाते हैं. ठीक है, रिसर्च पेपर लिखे जाते हैं, बहुत सारे पेटेंट होते हैं, बहुत अलग अलग तरीके की चीज होती है, एंड इवेंचुअली उनको कंबाइन करके जो है जब आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, दैट इज इंजीनियरिंग. फॉर एग्जाम्पल, कितने लोग जानते हैं कि आईफोन किसने बनाया, एप्पल कंपनी किसने बनाया? एप्पल किसने बनाया, एप्पल कंपनी किसने बनाया? एप्पल आईफोन कितने लोग जानते हैं? एप्पल, एप्पल का फाउंडर कौन है? स्टीव जॉब्स. यस राइट, स्टीव जॉब्स एप्पल के फाउंडर हैं, राइट. यस, लेकिन कितने लोगों को यह पता है कि एप्पल में आईफोन में जितने भी कंपोनेंट यूज होते हैं, स्टीव जॉब ने कुछ भी नहीं बनाया उसमें से. जितने भी हार्डवेयर यूज हुए हैं, स्टीव जॉब का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसी चीज में नहीं है. ठीक है, क्योंकि उनको हार्डवेयर के बारे में नहीं पता था. फिर वो आईफोन कैसे बना पाए? जरा सोचिए कि अगर आपको हार्डवेयर का आइडिया नहीं है तो आप कैसे किसी प्रोडक्ट को बना सकते हैं? एनी गेसेस? स्टीव जॉब ने आईफोन का हार्डवेयर नहीं बनाया, उनको कोई आइडिया नहीं था, हायरिंग इंजीनियर नहीं. इनिशियली जब उन्होंने आईफोन बनाया था तो बहुत ज्यादा उनके पास बड़ी टीम नहीं थी. ठीक है, सो ये तीनों चीज वहीं पे लिंक है, साइंस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी. ठीक है, साइंस क्या है? साइंस आप समझ गए कि सिस्टमैटिक एंड रीजन इन्वेस्टिगेशन. ठीक है, तो जब भी आप कोई इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो क्या करते हैं? रिसर्च पेपर लिखते हैं, पेटेंट लिखते हैं. ठीक है, और वो एक आइडिया आप जाके कहीं ना कहीं किसी लैब में या कहीं लेबोरेटरी में या कहीं पे स्टोर करते हैं, या बहुत सारी मैगजीन, स्प्रिंजर्स, ट्रिपल आई ट्रिपल ई और अलग अलग मैगजीन्स होती हैं जहां पे आपका वो वर्क जो है वो रिसर्च पब्लिश होता है. ठीक है, आप बहुत सारे साइंटिस्ट को सुनते होंगे कि उन्होंने कोई इन्वेंशन किया या कोई भी रिसर्च लिखा, बट उसका यूज क्या होता है? दैट इज ओनली, अगर आप साइंस में देखेंगे तो साइंस इज इन्वेस्टिगेशन, engineering and then technology. So what Steve Jobs did was, उन्होंने सारे रिसर्च पेपर्स को पढ़ा जितने भी यूके बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में थे, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड या जितने भी बड़ी यूनिवर्सिटीज थी, वहां पे सारे रिसर्च पेपर को पढ़ के एंड रिसर्च पेपर को कंबाइन करके ही फॉर्म्ड आईफोन. कितने लोग को पता था ये?
अगर आप कभी भी आईफोन का साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक बुक है अगर आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें दिया हुआ है कि विच स्पेसिफिक रिसर्च पेपर स्टीव जॉब्स यूज्ड टू मेक एन आईफोन। ठीक है, चिंता ना करिए, अभी ये थ्योरेटिकल नहीं होने वाला, बट जस्ट टू पुश यू लिटिल क्यों आपको रिसर्च पेपर पेटेंट और इन सारी चीजों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब आप रिसर्च पेपर पढ़ते हैं ना, सो दैट इवेंचुअली हेल्प्स यू टू थिंक। ठीक है, सो दैट्स हाउ स्टीव जॉब क्रिएटेड, हाँ मुझे नहीं पता था। ठीक है, सो माय रीजन व्हाई आई एम टेलिंग यू गाइस कि आप लोग को रिसर्च पेपर और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा पढ़ना चाहिए इज बिकॉज क्योंकि मैं देख पाया कि अभी ज्यादातर बच्चे फर्स्ट ईयर में है। ठीक है, तो मैं सेशन को फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के हिसाब से ड्रिवन रखूंगा क्योंकि फाइनल ईयर का शायद कोई भी नहीं है। ठीक है, सो नाउ गेट इनटू हैबिट ऑफ रीडिंग लॉट्स ऑफ रिसर्च पेपर, लॉट्स ऑफ थिंग्स ऑन टेक्नोलॉजी मैगजीन, ताकि आपको चीजें हाँ ताकि आपको चीजें जो है ड्राइव कर सके और स्टार्ट करने में आपको हेल्प मिल सके, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपको कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है कि आप कहां से स्टार्ट करें। ठीक है, अब सेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहली चीज कि देखिए, 2 घंटे का समय है और 2 घंटे के टाइम में हम बहुत ज्यादा कुछ नहीं बना सकते हैं। ठीक है, अभी मैं देखिए कुछ रोबोट्स या कुछ बॉट्स वगैरह लेके बैठा हूँ। ठीक है, ये ऑटोमेटिक कार वगैरह है, बट हम 2 घंटे के टाइम में बहुत ज्यादा कुछ बना नहीं सकते हैं। ठीक है, कितने लोग को दिख रहा है ये ब्लैक लाइन फॉलोअर, कितने लोग सुने हैं ब्लैक लाइन फॉलोअर, कितने लोग सुने हैं, इज इट विजिबल ब्लैक लाइन फॉलोअर, व्हाइट लाइन फॉलोअर, ऑब्स्टिकल अवॉइडर, कितने लोग सुने हैं, लेट मी नो इफ यू हैव हर्ड, यस वेरी गुड। ठीक है, ठीक है, सो अभी 2 घंटे में हम कोई भी एक चीज को बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं सीख सकते हैं। सो मेरा जो अप्रोच होगा, हर एक चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा बेसिक बताना आपको, पूरी बड़ी पिक्चर दिखाने के लिए सो छोटी छोटी चीजें मैं स्टार्टिंग में बताऊंगा और वो लास्ट में जाके सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्ट करेंगी। ठीक है, और वो जब कनेक्ट करेंगे तो आप अपने लिए एक डायरेक्शन सेट कर सकेंगे कि हाँ अब मुझे किस डायरेक्शन में बढ़ना है और मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, मेक सेंस, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको, ऑलराइट। सो अभी आगे की तरफ बढ़ते हैं, स्लाइड शेयर स्क्रीन, ओ ये अच्छी चीज है, आई होप अभी सबको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, सो सेशन को 3 पार्ट में डिवाइड करने वाला हूं। पहले थोड़ा सा हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात करेंगे, फिर दूसरे पार्ट में थोड़ा सा हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इन द सेंस ये रोबोटिक्स और ये रोबोट और ऑटोमेटेड रोबोट, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे, एंड द थर्ड पार्ट वुड बी IoT। फिर मैं इन तीनों को कनेक्ट करूंगा, कनेक्ट करने के बाद लास्ट में आपको कुछ मटेरियल्स दिखाने वाला हूँ कि कहाँ पे आप बहुत इजिली सारी चीजों को देख सकते हैं। सो स्टार्ट करें, उत्कर्ष वो मेरा डायलॉग है, कॉपीराइट, कौन सा डायलॉग उत्कर्ष, उत्कर्ष का कौन सा डायलॉग प्राइम गेमर, उत्कर्ष का कोई डायलॉग नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पे, एनीवेज ठीक है स्टार्ट करते हैं। सो अभी मैं स्क्रीन शेयर किया हूं तो आपके चैट्स मुझे बहुत ज्यादा दिखेंगे नहीं, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रजिस्टर, कितने लोग रजिस्टर देखे हैं या जानते हैं, कितने लोग ये वाला रजिस्टर देखे हैं और जानते हैं, कितने लोग रजिस्टर जानते हैं, कितने लोग ये रजिस्टर देखे हैं, छोटा सा है अगर दिख रहा हो तो, ठीक है, कितने लोग रजिस्टर की कलर कोडिंग जानते हैं,
रजिस्टर की कलर कोडिंग कितने लोग जानते हैं? ठीक है, तो रजिस्टर का कोई डेफिनेशन बता सकता है क्या कि व्हाट इज रजिस्टर या रेजिस्टेंस या व्हाट इज रजिस्टर या रेजिस्टेंस? अच्छा एक चीज और, सब लोग अपना ब्रांच बता सकते हैं क्या कि मेजॉरिटी ऑफ लोग किस ब्रांच से हैं? कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैकेनिकल, सिविल, अपना ब्रांच सब लोग एक बार बता सकते हैं क्या कमेंट बॉक्स में? यस, प्राइम गेमर टू रेजिस्ट एनीथिंग, गुड। सीएससी, सीएससी केमिकल इंजीनियरिंग महिमा, और लोग अपना ब्रांच बताएंगे क्या? ब्रांच ईसी, ट्वेल्थ, ओ माय गॉड, चेतना ट्वेल्थ क्लास से, वेरी गुड, वेरी गुड। और लोग बाकी ब्रांच, प्राइम गेमर केमिकल, ठीक है, मैकेनिकल, वेरी गुड। विष्णु टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ एनर्जी, यस गुड। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सारिका एंड विष्णु मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ओके। सो अगर आप रेजिस्टर जानते हैं तो रेजिस्टर इज बेसिकली सब लोग जितने लोग भी बताए हैं टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ एनर्जी, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। किसी भी चीज को जब आप रोकते हैं दैट इज ओनली अ टाइप ऑफ रेजिस्टर। अगर बहुत सारे लोग अभी जो 12th से पास आउट होके ही गए हैं, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, नाइस। रोबोसॉक ओपी, ये क्या है रोबोसॉक? ये कोई आपके यहाँ क्लब है क्या सुमित्रा? ठीक है, सो रेजिस्टर इज बेसिकली किसी भी एनर्जी के फ्लो को रोकने के लिए, ठीक है, रोकने के लिए या स्लो डाउन करने के लिए या उसको रेगुलेट करने के लिए, ठीक है। तो रेजिस्टर कई तरह के रेजिस्टर होते हैं, जैसे अगर आप यहाँ पे देखें, सो टाइप ऑफ रेजिस्टर फिक्स्ड रेजिस्टर, जैसे अभी जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं दिस इज फिक्स्ड रेजिस्टर। अगर आप चाहते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पे आप करंट को, वोल्टेज को कंट्रोल कर सकें, रेगुलेट कर सकें, देन यू यूज अ फिक्स्ड रेजिस्टर। अच्छा, रोबोटिक सोसाइटी NITH, वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद वेरिएबल रेजिस्टर, सो वेरिएबल रेजिस्टर का एग्जाम्पल कोई मुझे बताएगा? रियल लाइफ एग्जाम्पल वेरिएबल रेजिस्टर का, रियल लाइफ एग्जाम्पल वेरिएबल, वेरिएबल रेजिस्टर का, वेरिएबल रेजिस्टर या फिर आप पोटेंशियोमीटर भी बोल सकते हैं। पोटेंशियोमीटर भी मेरे पास शायद होगा अभी, नहीं अभी पोटेंशियोमीटर नहीं है मेरे पास। वेरिएबल रेजिस्टर का कोई एग्जाम्पल बताएगा? वेरिएबल रेजिस्टर आपने रियल लाइफ में कहां पे देखा है? ना ना, चार्जर में नहीं, और कहीं सोचिए। वेरिएबल रेजिस्टर, चार्जर, चार्जर में कैसे वेरिएबल रेजिस्टर? फोटोडायोड, फोटोडायोड भी वेरिएबल रेजिस्टर का एग्जाम्पल हो सकता है, LDR भी होता है, ठीक है, बट दैट इज डिपेंडेंट ऑन लाइट, सो वो एक तरह से वेरिएबल नॉब। रियल लाइफ एग्जाम्पल आप अपने अगल बगल देखिए, एक बार पूरे रूम को एक बार स्कैन करिए, स्विच नहीं, स्विच रेजिस्टर नहीं है, वो तो ऑन ऑफ डिवाइस है। क्या यार, वेरिएबल रेजिस्टर, फैन है घर में, फैन में रेगुलेटर है, रेगुलेटर को आप ट्यून करते हैं फैन की स्पीड तेज धीरे करने के लिए, वो भी एक तरह से रेजिस्टर है। यस ओजस, ठीक है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ वेरिएबल रेजिस्टर, ठीक है। फ्यूज नहीं, फ्यूज कैसे वेरिएबल रेजिस्टर हो सकता है? ये जो आपको रेजिस्टर दिख रहा है, रेजिस्टर जो है, आई गेस क्लियरली दिख रहा होगा, रेजिस्टर जो है किसी भी चीज के फ्लो को रोकने के लिए, ठीक है, रोकने के लिए या रेगुलेट करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। सो आप सबके घर में फैन होगा, फैन को आप रेगुलेट करते हैं रेगुलेटर से, कभी स्पीड 2 पे कर देते हैं, 1, 3, 4, 5 जो भी है, तो आप बेसिकली करते क्या है कि रेजिस्टर की वैल्यू, रेजिस्टेंस बढ़ा देते हैं, तो वोल्टेज की सप्लाई फैन में कम हो जाती है एंड देन आपके फैन की स्पीड कम हो जाती है। प्राइम गेमर, मैं रेगुलेटर ही बोल रहा था,
पता नहीं, हो सकता है मुझे कुछ और फिर देखने में आया हो, कोई नहीं, अगर रेगुलेटर आप बोल रहे थे तो सही है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। सो रेगुलेटर में कई तरह के अलग अलग तरीके के रेजिस्टेंस होते हैं, फिक्स रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये सारी चीजें LDR वगैरह लाइट डिपेंडेंट होते हैं, इनमें से आपको कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो रेजिस्टर आप देख सकते हैं, ये वेरिएबल रेजिस्टर, अच्छा वेरिएबल रेजिस्टर आपको उसमें भी मिल जाएगा, आपके घर में अगर कभी भी वो सब हो, जैसे जहाँ पे आप वूफर वगैरह होते हैं उसमें आप वॉल्यूम को जो रेगुलेट करते हैं, दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ वेरिएबल रेजिस्टर ओनली, एंड इस तरह का कुछ डिवाइस आप देखे होंगे पहले भी, ठीक है। फिर ये अलग अलग तरीके की चीजें हैं, इनसे आपको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फिर ये कलर कोडिंग आता है, ठीक है, तो कलर कोडिंग में आप इसको याद कर सकते हैं, ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज, लोग अलग अलग इसके कोड वर्ड भी रखते हैं ब्लैक ब्राउन के लिए, बीबी रॉय हैड अ ग्रेट वाइफ और ये वो करके। सो इसमें बेसिकली होता क्या है कि अगर आप रजिस्टर देख पा रहे हो तो इसमें अलग अलग तरीके के कलर हैं, ठीक है। इसमें शायद अभी पहला वाला ब्राउन है, फिर ब्लू है, फिर रेड है, ठीक है। सो इस कलर से देख के आप इसकी वैल्यू कैसे चेंज कर सकते हैं या चेक कैसे कर सकते हैं, सो बहुत ईजी है, आपने सारे वैल्यूज याद कर लिए, ब्लैक के लिए 0, ब्राउन के लिए 1, रेड के लिए 2, ऑरेंज के लिए 3, ऐसे ही आपने सारी वैल्यूज याद कर लिए, और ये मल्टीप्लायर है 1, 10, 100, 1000, 10,000, ठीक है। अब इसमें करना क्या है आपको, सिंपली जो स्टार्टिंग के जितने भी कलर होंगे उनकी एग्जैक्ट वैल्यू एज इट इज रख देनी है, ठीक है, और जो लास्ट वाला कलर होगा उसका मल्टीप्लायर यूज करना है। मल्टीप्लायर कैसे, देखिए अगर ब्राउन रेड ऑरेंज है, ठीक है, तो ब्राउन का क्या है वैल्यू 1, रेड का क्या है 2, तो 1, 2 और ऑरेंज का मल्टीप्लायर क्या है 1000, ठीक है, तो 1000, 1, 2 एंड देन 1000, ठीक है, समझ में आ गया सबको। अगर आप इस एग्जांपल से देखेंगे, ये मैं बाद में ना आप सबको ये सारे PDF और ये सारे PPTs भी शेयर कर दूंगा तो आपको क्लियर होगा, ठीक है, बट फिलहाल अभी आपको बहुत ज्यादा इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं ये सारी बेसिक चीजें एक बार आपको हाँ बीबी रॉय वाला, ठीक है, तो बहुत बेसिक में मैं सारी चीजें बता रहा हूँ, उसके बाद अभी हम जो है आर्डिनो वगैरह पे चलेंगे तो आपको मजा आएगा। फिर कैपेसिटर, ठीक है, कैपेसिटर में बहुत ज्यादा नहीं जाते हैं, कैपेसिटर कितने लोग पहले सुने हैं, कैपेसिटर कितने लोग सुने हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, रेजिस्टर वाला बहुत ज्यादा खींच गया, ठीक है। कैपेसिटर कितने लोग पहले से सुने हैं, कैपेसिटर का कोई एग्जांपल देगा, कैपेसिटर आप रियल लाइफ में कहां देखते हैं, कैपेसिटर का कोई रियल लाइफ एग्जांपल कहां पे आप उसको बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट देखते हैं, अगेन इसका भी एग्जांपल वेरिएबल रेजिस्टर की तरह ही है, यस फैन में, वेरी गुड अभिषेक, आपके फैन में अगर आप देखा हो जब फैन की स्पीड कम हो जाती है तो लोग बोलते हैं कि कंडेंसर खराब हो गया है, ठीक है। सो हाँ सारे लोग देखे हैं आकाश, ठीक है, हाँ सब लोग सही बोल रहे हैं, ठीक है। तो कैपेसिटर भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, सब पढ़े ही होंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाता हूं, अभी आगे के कुछ टॉपिक में इनका यूज आने वाला है इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अब सेमीकंडक्टर डायोड कितने लोग नाम सुने हैं पहले, सेमीकंडक्टर डायोड कितने लोग सुने हैं, सेमीकंडक्टर डायोड कितने लोग सुने हैं, सेमीकंडक्टर डायोड, ठीक है, सेमीकंडक्टर डायोड मैं सिंपल वर्ड्स में आपको बताता हूं। सो सेमीकंडक्टर डायोड है क्या, बहुत लेमैन लैंग्वेज में अगर आपको समझना है, ठीक है, आप सब फर्स्ट ईयर में हैं, सबने थ्योरेटिकली पढ़ा होगा। सो कंडक्टर क्या होते हैं, कंडक्टर अगर आप ये मेटल है, ठीक है, मेटल में आपने इधर से अगर 10 वोल्ट का करंट दिया तो इधर से आउटपुट में भी 10 वोल्ट का करंट आ गया, ठीक है, वो पूरी क्या कहते हैं करंट को या वोल्टेज को फ्लो करने में हेल्प करता है। तो जो भी चीज करंट को या वोल्टेज को फ्लो करने में हेल्प करता है दैट इज ओनली कंडक्टर। एंड इंसुलेटर क्या होते हैं, जिनमें करंट फ्लो नहीं कर सकता है। बट सेमीकंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर
और इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर को अगर आप मर्ज करके कोई एक नई चीज बना देते हैं, दैट इज ओनली सेमी कंडक्टर. कि जो एक कंडक्टर होता है, मेटल होता है या लेड होता है, ठीक है, कंडक्टर के कंडक्टिविटी को अगर आप रेगुलेट कर पा रहे हैं, दैट इज ओनली सेमी कंडक्टर. अब वो रेगुलेट करने के लिए करते क्या है, आप इसमें कुछ इम्प्योरिटीज मिला देते हैं इंसुलेटर वाली. ठीक है, कितने लोग समझ गए. सेमी कंडक्टर ये होता है कि कंडक्टर की कंडक्टिविटी को आप रेगुलेट कर सकें ऑटोमेटिकली. ठीक है, इसके लिए मैं एक छोटा सा वीडियो भी दिखाता हूं आप लोग को. ठीक है, ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, देख लेंगे ना तो आपको आगे समझने में मजा आएगा. Now with the help of this and the n-type semiconductors have electrons which are negatively charged. So you can see free holes which are positively charged are available in the p-type, and free electrons which are negatively charged are available in the n-type. So this is when a p-n junction is made. So ye p-type charge hai, positive, negative, theek hai? और इन दोनों के जो बीच का एरिया है, दिस इज ओनली नोन एज पीएन जंक्शन. ये जो येलो वाला पार्ट है ना, दिस इज नोन एज पीएन जंक्शन. ठीक है, हाँ, डोपिंग वगैरह सब सबको पता ही होगा. इसमें डिटेल वाला नहीं है. ठीक है, सो आई गेस सबको समझ में आ गया होगा कि सेमीकंडक्टर क्या है. ठीक है, किसी भी कंडक्टर की कंडक्टिविटी को रेगुलेट कर सकिए आप, दैट इज ओनली सेमीकंडक्टर. एंड सेमीकंडक्टर पे ही दुनिया चल रही है. इट मे बी योर मोबाइल फोन, इट माइट बी योर लैपटॉप, इट माइट बी योर कंप्यूटर, इट माइट बी योर दिस AVR चिप, इट माइट बी योर वाईफाई मॉड्यूल, एनीथिंग, सब सेमीकंडक्टर पे ही चल रहा है. ठीक है, ठीक है, अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं. सो सेमीकंडक्टर भी इजी है. ये सारे PDF और सारे PPTs मैं शेयर कर देने वाला हूं, इसकी मदद से आप सारी चीजें सीख जाएंगे. अब दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं. सेमीकंडक्टर भी ट्रांजिस्टर में भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं है. ठीक है, रेक्टिफायर कितने लोग जानते हैं. अभी हम लोग बहुत जल्दी ही काम की बात करना स्टार्ट करने वाले हैं, रोबोटिक्स वगैरह. रेक्टिफायर कितने लोग जानते हैं, रेक्टिफायर कितने लोग जानते हैं, और रेक्टिफायर का कोई रियल लाइफ एग्जांपल दीजिए. रेक्टिफायर, रेक्टिफायर कितने लोगों ने पहले सुना है, कोई एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल रेक्टिफायर का, कोई रियल लाइफ एग्जांपल. चेतना, आकांक्षा, अभिषेक, कन्वर्ट AC टू DC, यस, ओजस, करेक्ट. मोबाइल चार्जर, ठीक है, आपकी जो मोबाइल होती है वो DC वोल्टेज से चार्ज होती है. ठीक है, सो DC वोल्टेज से चार्ज करने के लिए आप बेसिकली सिंपली करते क्या है, आप एक ट्रांसफार्मर लेते हैं. ठीक है, उसमें AC सप्लाई देते हैं इधर से, और ट्रांसफार्मर से सबसे पहले आप 220 वोल्ट को स्टेप डाउन करते हैं, 9 वोल्ट या कुछ जितना भी वोल्ट आपको चाहिए, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट या जो भी आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू है. ठीक है, फिर उसके बाद आप ये इस तरह का कुछ सर्किट डायग्राम बनाते हैं, एंड फिर ये आपके AC करंट को DC करंट में कन्वर्ट कर देती है. ठीक है, अब कोई मुझे ये बताएगा कि अगर मैंने मान लो एक रेक्टिफायर बनाया, अब मैंने रेक्टिफायर बना दिया, वो AC टू DC कन्वर्ट कर दिया 9 वोल्ट, लेकिन मेरा रिक्वायरमेंट मेरी मोबाइल चार्ज करने के लिए 5 वोल्ट है, तो मैं 9 वोल्ट को 5 वोल्ट कैसे करूंगा. कोई बताएगा, सिंपल है. अभी हमने वेरिएबल टाइप ऑफ रेजिस्टर की बात की थी, सो सिंपली आप एक पोटेंशियोमीटर यूज करके आप उसकी वैल्यू को डाउन कर सकते हैं. लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा उसको रेगुलेट करेंगे तो एक टाइम के बाद जो है उसके जलने की चांसेस होती हैं. हो सकता है कि वो जल जाए. नहीं, स्टेप डाउन नहीं यूज करेंगे, स्टेप डाउन नहीं यूज करेंगे. 9 वोल्ट से 5 वोल्ट के लिए आप स्टेप डाउन नहीं यूज करेंगे. इसमें एक बहुत ही खास बात है.
सो अगर आप ये देख पा रहे हो जो ट्रांजिस्टर यहाँ पे आपने यूज किया है, ये ट्रांजिस्टर है, ये आईसी ही ट्रांजिस्टर है। इस ट्रांजिस्टर में ये इतना छोटा सा ऊपर ये बना हुआ है, ये होल क्यों बना है कोई बताएगा? ये मैं ट्रांजिस्टर आपको दिखाता हूं। इस ट्रांजिस्टर में आपको ये छोटा सा होल दिख रहा है कि नहीं? ये मेटल सरफेस दिख रहा है सबको? ये बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर कोई बता ले तो। इस ट्रांजिस्टर में ये छोटा सा जो होल बना हुआ है ये किस लिए है, कोई बता सकता है? ये जो छोटा सा मेटल का पार्ट लगा हुआ है इसको क्या बोलते हैं, इसके बारे में कोई जानता है? कोई कोई तो बता दो। नहीं, इसको बोलते हैं सिंक, ठीक है, एडी करंट। नहीं, इसको बोलते हैं सिंक। पहले सबको दिख रहा है ना, ये सिंक करता क्या है बेसिकली? देखिए, अब आपका ये रेजिस्टर हो गया, ठीक है, ये दो चीजें हो गई। ये आपका हो गया रेजिस्टर। रेजिस्टर आप 9 वोल्ट से 9 वोल्ट को 5 वोल्ट करने के लिए आप रेजिस्टर नहीं यूज करेंगे। रेजिस्टर अगर आप यूज करेंगे तो एक टाइम के बाद हीट होगा और हीट होके ये जल जाएगा, ठीक है। अब इस ट्रांजिस्टर में क्या खासियत होती है कि अगर आपने ट्रांसफार्मर से करंट को स्टेप डाउन किया, ठीक है, अब आपको 9 वोल्ट चाहिए लेकिन उसमें जो है 10 वोल्ट या 12 वोल्ट आउटपुट आ रहा है, ठीक है, मान लीजिए एफिशिएंसी नहीं अच्छी है ट्रांसफार्मर की। सो ये जो ट्रांजिस्टर में आपके ये जो सिंक बना हुआ है, इस सिंक का काम, यस प्राइम गेमर, यस वेरी गुड, ठीक है। तो ये सिंक का क्या काम होता है प्राइम गेमर, आपने सही बोला। ये जो सिंक है ये हीट होता है एंड ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है उसको हीट के फॉर्म में डेसिपेट कर देता है, समझ गए? कभी भी आपने चार्जर को अपने टच किया होगा तो एक टाइम के बाद जब चार्जर यूज होता रहता है तो थोड़ी देर बाद गर्म हो जाता है। वो गर्म क्यों होता है? क्योंकि जो उसमें हीट सिंक होता है वो एक्स्ट्रा करंट को हीट के फॉर्म में डेसिपेट कर देता है। मतलब कि अगर आपको 9 वोल्ट चाहिए और आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ने 12 वोल्ट दिया तो ये जो है इनपुट तो 12 वोल्ट लेगा लेकिन आउटपुट 9 वोल्ट ही देगा। कितने लोग समझ गए? एंड ये जो आपका रेक्टिफायर होता है ना, दिस इज वेरी बेसिक थिंग। मतलब आप जब भी इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ भी बनाने के लिए बैठेंगे ना, सो रेक्टिफायर इज समथिंग जो सबसे पहली चीज आप बनाते हैं, ठीक है। तो कितने लोग ये हीट सिंक और ये ट्रांजिस्टर का ये वाला कॉन्सेप्ट समझ गए? रेज योर हैंड। अभिषेक समझ गए, आर्या समझ गए, विष्णु समझ गए, मैं समझ गया, ठीक है प्राइम गेमर। तो ये ट्रांजिस्टर का ये गेम होता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एक, इसके बाद आपका एनालॉग खत्म, ठीक है, उसके बाद हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ बढ़ेंगे। सो रेक्टिफायर सबको क्लियर है? ये रेक्टिफायर का डायग्राम है एंड ये इनपुट ग्राउंड आउटपुट कैसे कनेक्शन करते हैं वो सारी चीजें अभी आपको आगे ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगी बिना समझाए, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है, सिमुलेटर वगैरह तो ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, ठीक है। कितने लोग एसी देखे हैं? घर में एयर कंडीशनर होगा या बड़ी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होंगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जितनी भी आपकी चिप होती है, ये जो आईसी होती है, ये आईसी आपकी काम करती है या तो 3 वोल्ट पे, या तो 5 वोल्ट पे, या तो 9 वोल्ट पे, या 12 वोल्ट पे, मान लीजिए 15 वोल्ट पे भी आपने चला लिया। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि जब आप एसी को ऑन ऑफ करते हैं तो वो तो आईसी होती है छोटी सी, उसमें जो चिप जो उसको कंट्रोल करती है, रिमोट जो कंट्रोल करता है, लेकिन वो आईसी आपकी इतने हैवी मोटर को कैसे ऑन ऑफ करती है? जो एसी में मोटर लगी होती है वो कैसे कंट्रोल करता है ये छोटा सा आईसी जो कि 5 वोल्ट पे चल रहा है? मोटर को तो 220 वोल्ट चाहिए, कैसे कंट्रोल करते हैं कोई बताएगा? ये जो आईसी है आपकी, ठीक है, ये आईसी या जो आपके कार हो गई, बाइक हो गई, या किसी भी चीज का मोटर ड्राइवर, नहीं, मोटर ड्राइवर कैसे कंट्रोल करता है?
जरा सोचिए कि आपकी जो आईसी है, जो आपकी आईसी है वो तो 5 वोल्ट 10 वोल्ट 12 वोल्ट 15 वोल्ट मैक्सिमम जा रही है, लेकिन जो आपका मोटर है वो 250 वोल्ट का है, 450 वोल्ट के मोटर्स आते हैं, उसको आपका 5 वोल्ट वाला आईसी कैसे कंट्रोल कर रहा है? सिग्नल देके नहीं, किसी ने यहां पे सही जवाब दिया है, मैं एक्नॉलेज नहीं किया अभी तक, बट किसी ने सही जवाब दिया है। यस, विष्णु ने सही जवाब दिया है, रिले मोड, रिले मॉड्यूल। ठीक है, रिले मॉड्यूल के बारे में समझते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ठीक है, रिले। सो रिले बेसिकली देखने में कुछ ऐसा होता है। ठीक है, अगर आप ये रिले देख पा रहे हो, कितने लोग रिले का नाम सुने हैं? रिले देखने में कुछ ऐसा होता है, कितने लोग ये रिले देख पा रहे हैं? ठीक है, अब रिले बेसिकली करता क्या है मैं समझाता हूं। ठीक है, सो ये देखिए, अब मान लीजिए ये हो गया आपका, दो सेकेंड, ठीक है, मान लीजिए ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और ये हो गया आपका मोटर। ठीक है, दो सेकेंड, ठीक है, ये हो गया आपका आईसी। ठीक है, ये हो गया आपका आईसी। ठीक है, और ये हो गया आपका मोटर। ठीक है, मोटर हो गया। अब ये जो आईसी है आपका, ये तो मान लीजिए 5 वोल्ट पे है, लेकिन ये जो मोटर है आपका ये 220 वोल्ट पे चल रहा है। तो रिले का क्या काम होता है, ये बीच में आ गया एक कंपोनेंट, रिले। ठीक है, रिले। अब रिले चलता कैसे है, आपके मोटर को चाहिए 220 वोल्ट। ठीक है, तो ये आपकी मेन सप्लाई हो गई, मेन सप्लाई हो गई घर की, ये 220 वोल्ट की। ठीक है, अब इसमें से जो एक तार था वो तो आया आपका यहां पे कनेक्ट हो गया, दूसरे तार को आप क्या करते हैं, दूसरे तार को आप कनेक्ट करने के लिए जो है बेसिकली घर में स्विच यूज करते हैं, स्विच से आप ऑन ऑफ कर दिए, जैसे आपने स्विच से ऑन किया मोटर ऑन हो गई, ऑफ किया तो ऑफ हो गई। अब इसमें आप सिंपली पिक्चर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसमें आप डायरेक्ट इससे कंट्रोल करने के बजाय जो है अपने रिले से कनेक्ट करते हैं। तो इसमें अब होता क्या है कि आपने एक सप्लाई को अपने मोटर से कनेक्ट कर दिया और दूसरे सप्लाई को आपने रिले में लगा दिया। ठीक है, अब आपकी आईसी को कंट्रोल करता है कौन, आपने ये सर्किट ऐसा कुछ बना दिया। ठीक है, तो अब आपकी जो आईसी है वो रिले को इंस्ट्रक्शन देगी कि इस मोटर को ऑन करना है कि ऑफ करना है, और ये रिले जो है इस मोटर को कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो रिले को 5 वोल्ट का इनपुट दिया जाता है, लेकिन ये जो है 220 वोल्ट के मोटर को कंट्रोल करता है, सिर्फ करता क्या है सर्किट में जो है सर्किट को कंट्रोल करके। रिले का काम सब लोग समझ गए कि एक आपकी 5 वोल्ट की आईसी जो है 220 वोल्ट के मोटर को चलाने के लिए बीच में सिर्फ हेल्प करता है रिले। कितने लोग समझ गए, अभी मैं इसका डायग्राम दिखाता हूं सर्किट, दैट इज डिफरेंट थिंग। कितने लोग समझ गए कि रिले का क्या काम होता है। सो कभी भी आपके घर में अगर एसी होगी और जब लाइट आती है अचानक से, तो स्टेबलाइजर बहुत तेज से कट 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 करके आवाज करता है, दैट साउंड इज ऑफ अ रिले। ठीक है, कितने लोग सुने हैं, कितने लोग स्टेबलाइजर की आवाज सुने हैं, कट 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 आवाज करता है वो। ठीक है, दैट साउंड इज बेसिकली ऑफ अ रिले। ठीक है, सब लोग आई गेस समझ गए हैं। ठीक है, सो रिले एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही पावरफुल इन्वेंशन है फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री।
ठीक है, अब रिले का थोड़ा सा हम डायग्राम से समझ लेते हैं। सो रिले देखने में कुछ ऐसा लगता है, ठीक है, इसमें 5 पिन होती हैं, तो 2 डायरेक्ट पिन होती है और एक इसमें बीच में कॉइल होता है। इसको मैं समझाता हूं आपको एक डायग्राम की मदद से, रिले क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे आप देख पा रहे हो तो ये जो पूरा सेटअप है, ये रिले है, ये 5 वोल्ट की बैटरी या 3 वोल्ट की बैटरी है और इस बल्ब को जलने में हेल्प कर रहा है। सो इसमें बेसिकली हो क्या रहा है कि ये जो 5 वोल्ट की बैटरी है, ये एक्चुअल में इसको नहीं रन कर रही है, ये सिर्फ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रही है जिसके कारण ये वाली सर्किट पूरी कंप्लीट हो रही है और ये बल्ब जाके कंट्रोल हो रहा है। ठीक है, आई होप रिले किस तरीके से काम करता है सबको क्लियर है। रिले क्लियर हो तो RC लिख दीजिए सब लोग, रिले, क्योंकि रिले बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस या कंपोनेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स का। रिले क्लियर, RC लिख दीजिए अगर आपको रिले क्लियर है तो। ये लास्ट टॉपिक था रिले, अब हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ बढ़ेंगे। RC प्राइम गेमर, ठीक है, अब हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ बढ़ने वाले हैं, ये लास्ट टॉपिक का। इफ इट इज क्लियर टू यू लेट मी नो। अभिषेक क्लियर, वेरी गुड, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड ओजस, ठीक है। अब हम जो है बढ़ रहे हैं, ठीक है, अब हम बढ़ रहे हैं डिजिटल। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, वैसे वैसे सेशन इंटरेस्टिंग थोड़ा सा होता जाएगा, ठीक है, ठीक है, इसको बंद करते हैं। प्रॉब्लम ये है, एक छोटी सी प्रॉब्लम भी है हमारे साथ, अब हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि मैं सारी चीजें कवर कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा थोड़ा हर एक चीज का कवर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं होली की हॉलीडेज पे था, ठीक है, सो सेशन मुझे ऑल ऑफ सडन लेना पड़ा, ठीक है, तो मेरे पास सारे नेसेसरी हार्डवेयर इतनी समय नहीं है। द सेशन फॉर मी वॉज लाइक ऑल ऑफ सडन, ठीक है, मुझे कल कॉल आया कि आई हैव टू टेक अ सेशन, सो आई एम नॉट प्रिपेयर्ड विथ ऑल ऑफ द हार्डवेयर, लेकिन जितने भी हैं मेरे पास अभी घर पे, आई विल ट्राई टू शो यू Guys, all those things that I have right now, ठीक है, so थोड़ा सा compromise है, but मैं आपको end तक सारा direction दे दूंगा कि कैसे आप बहुत easily किसी भी project को develop कर सकते हैं। So moving ahead, so कितने लोग microprocessor और microcontroller के बारे में जानते हैं? microprocessor और microcontroller कितने लोग जानते हैं? माइक्रो कंट्रोलर कितने लोग सुने हैं? माइक्रो कंट्रोलर और प्रोसेसर में कोई फर्क बताएगा? माइक्रो कंट्रोलर तो सुना है, ये AVR भी एक माइक्रो कंट्रोलर है, आर्डिनो बोर्ड भी एक माइक्रो कंट्रोलर है, मेरे पास आर्डिनो है नहीं इतनी समय, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर में, हाँ सही है हार्दिक, सही है, ठीक है। तो माइक्रो कंट्रोलर और प्रोसेसर इज जस्ट लाइक द हार्ट एंड द बॉडी, ठीक है, हमारा हार्ट जो है ना, यही जो है पूरे पूरे क्या कहते हैं बॉडी का मेन चीज है, ठीक है। सो माइक्रो प्रोसेसर इज कि जिसको आप कुछ इनपुट दीजिए, उस इनपुट को वो प्रोसेस करे और आपको कुछ आउटपुट दे दे, सो उसमें इनपुट आउटपुट टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है।
एंड माइक्रो कंट्रोलर इज बेसिकली सिस्टम ऑन चिप कि आप जितनी भी चीजों के बारे में बात करते हैं, इट माइट बी डायोड, इट माइट बी रेजिस्टर, इट माइट बी ट्रांजिस्टर, एनीथिंग. तो इन सारी चीजों को जब आप कंबाइन करके अपने माइक्रो प्रोसेसर से जोड़ते हैं किसी भी एक रिजल्ट को पाने के लिए, तो जिस सर्किट पे या जिस चिप पे आप उन सारी चीजों को रखते हैं, दैट इज ओनली माइक्रो कंट्रोलर. सो हमारी बॉडी एक तरह से माइक्रो कंट्रोलर है और हमारा हार्ट जो है प्रोसेसर है. कितने लोग समझ गए? सो बिना माइक्रो प्रोसेसर के माइक्रो कंट्रोलर नहीं पॉसिबल है, लेकिन सिर्फ माइक्रो प्रोसेसर अकेले बहुत कुछ कर सकता है. समझ गए? ठीक है. सो माइक्रो प्रोसेसर और कंट्रोलर सब लोग समझ गए. ठीक है, बहुत कुछ इसमें हार्ड एंड फास्ट है नहीं. ठीक है, क्योंकि 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 सेंसर कितने लोग जानते हैं? व्हाट इज सेंसर? सेंसर इज अ डिवाइस दैट मेजर्स फिजिकल इनपुट फ्रॉम इट्स एनवायरमेंट एंड कन्वर्ट इनटू डेटा दैट कैन बी इंटरप्रेटेड बाय ईदर अ ह्यूमन और अ मशीन. ठीक है, जैसे जैसे हमारे पास 5 सेंस होते हैं. ठीक है, टच, स्मेल, टेस्ट, वो सारी चीजें. सो बेसिकली आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में भी सेंसर्स होते हैं जो आपके कुछ बाहर के इनपुट को लेके और आपको कुछ आउटपुट या कुछ परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं, वही सेंसर होते हैं. जैसे ये अभी आपके सामने है IR सेंसर, इसको बोलते हैं इंफ्रारेड सेंसर. अब इंफ्रारेड सेंसर जो है ब्लैक लाइन फॉलोअर बनाने में आपकी हेल्प करता है. तो इंफ्रारेड, हाँ, अ डिवाइस दैट कैन सेंस चेंज इन एनवायरनमेंट. वेरी गुड. ठीक है, सो इंफ्रारेड सेंसर अब काम कैसे करता है? किसी भी सेंसर का काम करने का जो तरीका होता है ना, वो बहुत सिंपल होता है. जैसे इंफ्रारेड सेंसर में क्या होता है कि आपके पास 2 LED हैं. ठीक है, 2 LED हैं. मान लीजिए ये आपका सेंसर का बोर्ड हो गया. ठीक है, अब इसमें हो क्या रहा है, एक इनपुट देता है, एक आउटपुट देता है. ठीक है, तो मान लीजिए ये आपका ग्राउंड सरफेस है. ठीक है, अब ये आपका IR सेंसर है. IR सेंसर में बेसिकली, हाँ, रिमोट में भी होता है, टीवी के रिमोट में भी होता है. तो जो टीवी के रिमोट में आप सेंसर देखते हैं ना, लाइट ऑन ऑफ होती है, वो सेंसर IR सेंसर का एग्जांपल होता है. सो आउटपुट जो है आपके रिमोट में लगा होता है और इनपुट आपके टीवी में लगा होता है. ठीक है, सो ये सेंसर करता क्या है, ये इसने लाइट प्रोड्यूस किया, ये लाइट किसी सरफेस से स्ट्राइक हुआ और जब ये दोबारा यहाँ पे गया तो ये एक्टिवेट हो जाता है. ठीक है, सो यहाँ से अगर 1 आया और ये गया स्ट्राइक करके यहाँ पे भी 1 दिया तो इसको आउटपुट 1 मिल गया, और अगर ये 0 था और यहाँ पे गया तो इसको भी आउटपुट 0 मिल गया. तो सेंसर बेसिकली कुछ एक फिजिकल, सर स्क्रीन नहीं दिख रही है, मेरी स्क्रीन शेयर्ड है आई गेस. मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? स्क्रीन शेयर्ड है, सबको स्क्रीन दिख रही है कि नहीं? मोशन डिटेक्टर, हाँ, दे आर ऑल फॉर्म ऑफ सेंसर्स ओनली. ठीक है, सो हाँ, ठीक है. तो अब IR सेंसर हम ब्लैक लाइन फॉलोअर बनाने में कैसे हेल्प होती है, ये मैं समझाता हूँ. अब दिख रही है, ठीक है. सो ब्लैक लाइन फॉलोअर में होता क्या है, कितने लोग ब्लैक लाइन फॉलोअर जानते हैं? ब्लैक लाइन फॉलोअर एक सिंपल सा रोबोट होता है, जो रोबोट जो है इस ब्लैक लाइन को फॉलो करते करते आगे बढ़ता रहेगा. ठीक है, तो अब ब्लैक लाइन फॉलोअर के बारे में अभी आगे हम डिस्कस करने वाले हैं. आप बस IR सेंसर को याद करे रहिए. ठीक है, ब्लैक लाइन फॉलोअर की तरफ जैसे ही बढ़ेंगे तो मैं आपको ब्लैक लाइन फॉलोअर समझाता हूं. IR सेंसर याद की रही, वहां पर भी दोबारा हम रिपीट करेंगे. हाँ, मोशन डिटेक्टर थेफ्ट अलार्म के लिए, हाँ, वेरी गुड. ठीक है, सेंसर. ठीक है, तो अब बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की सेंसर में जरूरत नहीं है. एक्टिव सेंसर, पैसिव सेंसर और ये सब बहुत सारी कहानियां हैं और बहुत अलग अलग तरीके के सेंसर होते हैं. हार्ट बीट सेंसर, IR सेंसर, टच सेंसर, ह्यूमिडिटी सेंसर, वाटर फ्लो सेंसर, स्मोक सेंसर, गैस सेंसर, LDR, IR रिसीवर, जायरोस्कोप. बहुत जायरोस्कोप आपके मोबाइल में यूज होती है. जब आप अपने मोबाइल को पोर्ट्रेट मोड में करते हैं तो ऑटोमेटिक स्क्रीन जो है टर्न हो जाती है. तो सॉइल मॉइस्चर सेंसर, दुनिया भर के सेंसर होते हैं जिसका अभी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. अभी मैं मेन बात पे आऊँगा जब ये इसके लिए जब बढ़ूंगा आगे. ठीक है, सो
सेंसर से पहले मोटर के बारे में जान लेते हैं। मोटर भी फिर बहुत तरीके के मोटर होते हैं, ठीक है। मोटर बेसिकली होता क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। और बहुत तरह के मोटर्स होते हैं, डीसी मोटर, एसी मोटर, ये सारी चीजें सब लोग सुने होंगे। आपके लिए इंपॉर्टेंट स्टेपर मोटर और सर्वो मोटर है। स्टेपर मोटर और सर्वो मोटर की कोई खासियत बताएगा? स्टेपर मोटर और सर्वो मोटर की खासियत कोई बताएगा? स्टेपर मोटर या सर्वो मोटर की? सर्वो मोटर की कोई खासियत मैं दिखाता हूं, सर्वो मोटर की खासियत आप सबको, आपके लिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। सो मैं सर्वो मोटर का एग्जांपल दिखाता हूं। आई होप मैं जो वीडियो भी दिखा रहा हूँ सबको दिख रहा है। अगर दिख रहा हो तो येस टाइप करिए, वाई लिखिए, वाई लिखिए अगर सबको दिख रहा हो तो। होंडा रोबोट, अगर अगर आपको वो रोबोट दिख रहा है अभी मैं जो वीडियो दिखा रहा हूँ तो वाई टाइप करिएगा, ठीक है। वरुण दिख रहा है, वेरी गुड। अभी देखते हैं फिर मैं समझाता हूँ। और अभी एक चीज मैं दिखाता हूं, नाउ रोबोट, नाउ रोबोट, नाउ रोबोट। Thank you.
Have you seen my Roberta? I don't know. I am sorry. Ouch! Sorry. I am okay. I suppose I should get up. देखा आपने कैसा था, कैसा लगा सबको? वीडियोस देखा आपने कैसा लगा? ठीक है, इंटरेस्टिंग था ना? अब इसमें कोई ये बताएगा कि कौन से दो कंपोनेंट का बहुत ज्यादा यूज था? पहला सेंसर, दूसरा मोटर। ठीक है, अगर आप मोटर की बात करेंगे, नॉर्मल मोटर की अगर आप बात करेंगे ना, आपने घर में मोटर्स देखे होंगे, पंप जो पानी खींचने के लिए होता है। तो आप मोटर को एक बार ऑन कर देते हैं, जब ऑफ करते हैं तो वो थोड़ी देर तक नाचता रहता है। ठीक है, थोड़ी देर तक नाचता रहता है और वो धीरे धीरे जाके वो बंद होता है। ठीक है, तो स्टेपर मोटर और सर्वो मोटर की क्या खासियत होती है? उनमें सर्वो मैकेनिज्म होता है, मतलब कि वो किसी एक एंगल तक जो है रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, 19 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, और वो एक बार ऑन होंगे 19 डिग्री कवर करके रुक जाएंगे। ठीक है, अगर 23 डिग्री घूमना है तो वो घूमेगा, तुरंत बंद हो जाएगा। तो अगर आप देखेंगे कि रोबोट जब चल रहा था तो उसको एक एंगल पे चलना था। ठीक है, वो जब स्टेयर्स से उतर रहा था तो उसको एक एंगल पे उतरना था ताकि वो गिरे ना। जब वो फुटबॉल को किक किया तो एक एंगल पे ही क्लिक, मतलब मोटर को ऑन होना था। सो जो आपके रोबोट्स बनते हैं, दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन सर्वो मोटर, क्योंकि सर्वो मोटर्स जो है किसी एंगल पे रोटेट कर सकते हैं। इट कुड बी एनी एंगल, 13 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 120, 360, 400 डिग्री, एनी डिग्री। ठीक है, आपने नाव रोबोट को भी देखा हो कि वो गिर जाता है तो ऑटोमेटिक उठता है, क्योंकि उसके सेंसर्स उसको इनपुट देते हैं और सेंसर के इनपुट की मदद से वो मोटर को डायरेक्ट करता है कि मोटर्स को किस एंगल पे घूमना चाहिए ताकि वो खड़ा हो सके। कितने लोग को समझ में आया सेंसर्स और मोटर्स का रोल रोबोटिक्स में? समझ में आया तो मुझे बताइए, एस लिखिए समझ में आ गया तो। अगर समझ में आया सेंसर्स एंड क्या कहते हैं मोटर्स का इम्पोर्टेंस, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मतलब बिना सेंसर्स और मोटर्स के आप सोच भी नहीं सकते। सबको समझ में आया? विष्णु, वेरी गुड। अच्छा, आप लोग जब टाइप करते हैं ना मुझे थोड़ी देर बाद जाके दिखाता है। अच्छा, इसमें अनुभव करके पहले से भी कोई है? ठीक है, ठीक है। तो सेंसर्स एंड मोटर्स आर अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड दिस इज समथिंग कि हम सबको बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रखते हैं अपने ऊपर। ठीक है, इसीलिए मैं सेंसर्स, मोटर्स, रिले, इन सब चीजों को आपको बता रहा हूं ताकि आपको ये सारी चीजें पता हो, और जब भी आपको अपना प्रोजेक्ट बनाना है तो यू शुड नो द राइट सेंसर, द राइट मोटर एंड द राइट कॉम्पोनेंट फॉर दैट। ठीक है, अब मैं आपको शायद बहुत जो बेसिक चीजें थी वो समझा चुका हूं। अब हम पढ़ेंगे ब्लैक लाइन फॉलोअर के बारे में। ठीक है, ब्लैक लाइन फॉलोअर क्या है, ब्लैक लाइन फॉलोअर का क्या प्रिंसिपल है? ब्लैक लाइन फॉलोअर का कोड इतना इजी सा है, बस इतना छोटा सा है। ठीक है, लेकिन इसको कोड को समझाने से पहले कुछ चीजें आपको समझानी होंगी, तो पहले वो चीजें कवर कर लेते हैं। ठीक है, ये एक्चुअल कोड है, बट इसको मैं ये कोड जो है आपको इसके प्रोडक्ट के साथ मिलती है, बट मैं आपको ये वाला कोड सिखाऊंगा जो मैं बनाया हूं, इजी है वो। ब्लैक लाइन फॉलोअर का देखिए, ब्लैक लाइन फॉलोअर बेसिकली होता क्या है। ब्लैक लाइन फॉलोअर में
जो मैं सेंसर के बारे में आपको बताया था, ठीक है? तो सेंसर बेसिकली होता क्या है कि जो सेंसर होता है, दो सेकेंड, ठीक है? तो मैंने आपको उस आईआर सेंसर के बारे में बताया था, ठीक है? अब ये आपका आईआर सेंसर है, इसमें दो एलईडीज लगी हुई हैं, ये इनपुट जा रहा है, किसी सरफेस से टकराता है और यहाँ पे आउटपुट आता है। तो जैसे ये यहाँ से वन ऑन हुआ तो वन गया, ऑफ है तो जीरो गया, तो यहाँ पे वन और जीरो का वैल्यू आता रहता है, ठीक है? अब सोचिए कि आपके पास ब्लैक कलर की सबसे बड़ी खासियत क्या है। ब्लैक इज अ वेरी गुड एब्जॉर्बर, ठीक है? ब्लैक किसी भी चीज को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ब्लैक लाइन फॉलोअर बनाने के लिए आपको ये देखिए दो सेंसर हैं, एक आईआर सेंसर ये है, एक आईआर सेंसर ये है, दो लाइट इसमें लगी हुई है, दो लाइट इसमें लगी हुई है। अब आईआर सेंसर में हुआ क्या कि आपका ये रोशनी जैसे ही ब्लैक सरफेस पे गई, ब्लैक इज अ वेरी गुड एब्जॉर्बर, ठीक है? उसने आपके सिग्नल को एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब करके यहाँ पे कुछ आउटपुट आया ही नहीं, मतलब इसने वन भेजा लेकिन यहाँ पे जीरो आउटपुट आया, ठीक है? अगर यहाँ पे ये एब्जॉर्ब हो गया, ये अगर वन भेजा यहाँ पे और ये वन एब्जॉर्ब हो गया तो यहाँ पे तो जीरो आया। तो अब आपके पास जो है दो मोटर लगे हुए हैं रोबोट में बढ़ने के लिए, ये मोटर ये लगा है, एक मोटर ये लगा है। अब दोनों मोटर को ऑन होना चाहिए, ठीक है? तो अब आपने कोड ऐसा बनाया कि ये देखिए ये वाइट सरफेस है और ये भी वाइट सरफेस है, तो जब तक सिग्नल जो है यहाँ वाइट सरफेस से टकरा के वापस रिसीव हो रहा है और इधर भी वापस रिसीव हो रहा है, तब तक ये आपका बॉट चलता रहेगा। जैसे ही आपका ये बॉट आगे बढ़ता आया और यहाँ पे टच हुआ, गलती से यहाँ पे टच हो गया और एक आईआर सेंसर जो है ऑफ हो गया, एक आईआर सेंसर ऑफ हो गया मतलब कि आपने एक तरफ की मोटर ऑफ कर दिया और दूसरे तरफ की मोटर ऑन रखा। इसको अभी मैं डेमोंस्ट्रेशन से समझाता हूँ। ये देखिए, दो सेकेंड, इसको पहले मिटा दूं। केस वन, अभी लेफ्ट सेंसर भी ऑन है, राइट सेंसर भी ऑन है। अब ये आपका बढ़ेगा आगे। अब क्या हुआ, देखिए ये गलती से जो है ब्लैक लाइन पे आ गया, ब्लैक लाइन पे आ गया तो क्या होगा, अब ये वाला सेंसर ऑफ हो जाएगा, ये वाला सेंसर ऑन रहेगा, ठीक है? तो अब केस टू बनेगा, केस टू, अब आपको घूमना है। तो आपने क्या किया, एक सेंसर ऑफ था तो इस मोटर को भी आपने ऑफ रखा और ये सेंसर ऑन था तो आपने इस मोटर को ऑन रखा। तो जब आप एक तरफ की व्हील को सिर्फ बढ़ाएंगे तो मोटर ऑटोमेटिकली दूसरे डायरेक्शन में घूम जाएगी। अब फिर देखिए ये आगे, दोनों सेंसर ऑन हो गए अभी, फिर ये आगे बढ़ा। अब ये वाला सेंसर देखिए, ठीक है? तो जैसे ही एक सेंसर आपका ऑफ हो रहा है तो आपने अपने कोड को ऐसा डिजाइन किया कि जिस तरफ का सेंसर ऑन है उधर की मोटर बढ़ी, जिधर का सेंसर ऑफ है वो मोटर जो है अपने स्टेशनरी पोजीशन पर रहेगी। और हम सबको पता है कि अगर एक तरफ का व्हील बढ़ रहा है और एक तरफ का रुका हुआ है तो ऑटोमेटिक वो डायरेक्शन चेंज करता है। सेम थिंग गोज अगेन। अब देखिए, अब आपके दोनों सेंसर्स ऑफ हो जाएंगे, ठीक है? कितने लोगों को ब्लैक लाइन का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि ब्लैक लाइन चलता कैसे है? कितने लोग को नहीं समझ में आया बताइए, मैं दोबारा समझाऊंगा, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास है, ठीक है? और हार्डवेयर वाली जो चीजें होती है ना उसको ऑफलाइन समझाने में ही ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो मुझे समझ में आ रहा है कि कुछ डाउट्स हो सकते हैं। सो कितने लोग को समझ में आ गया, समझ में आ गया एस टाइप करिए, नहीं समझ में आया एन टाइप करिए। कितने लोग चाहते हैं कि दोबारा समझाऊं? समझ आ गया, क्योंकि आप ये समझेंगे तो ही आपको कोड समझ में आएगा। समझ में आ गया, किसी को नहीं समझ में आया रिवीजन चाहता हो तो बता दे। ये मोटर है, देखिए ये मोटर है, अगर आपको ये देखिए इसमें दो पहिए लगे हुए हैं, ठीक है? अगर आप एक तरफ की पहिया बंद करके और दूसरे तरफ की ऑन रखिए, इसको ये राइट वाला, ये लेफ्ट वाला जो है इसको कांस्टेंट रखते हैं और ये राइट वाली की अगर आप व्हील घुमाते हैं तो ये ऑटोमेटिक ऐसे घूम जाएगा, ठीक है? ठीक है, अब इसका कोड भी समझ लेते हैं, ठीक है? सो इसका कोड बहुत इजी है, ठीक है? कोड समझने से पहले मैं एक चीज भूल गया, दो सेकेंड।
कोड समझने से पहले मैं आपको AVR के बारे में बता देता हूँ। तो ये AVR है, AVR कितने लोग नाम सुने हैं? Arduino, जैसे Arduino होता है वैसे ही AVR होता है। कितने लोग AVR का नाम सुने हैं? कितने लोग AVR का नाम सुने हैं? AVR एक माइक्रो कंट्रोलर है जिसमें Atmega 8 लगी होती है, ठीक है। इसके बारे में भी चलिए मैं दिखाई देता हूँ, शायद मैं भूल गया। Arduino Atmega 8 बेस, अब व्हाइट लाइन फॉलोअर का कोड ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। फीचर्स Atmega में ये जो माइक्रो कंट्रोलर है आपका, ठीक है, ये जो आपका AVR है, इस AVR को पूरा कंट्रोल करता है ये IC, इस IC को बोलते हैं Atmega 8, ठीक है। Atmega 8 के अलावा आपने रिले पढ़ लिया, Atmega 8 लगा हुआ है, ये Atmega 8 को ही आप कोड करते हैं। अब इसको कोड करने के लिए आप करते क्या है, आपके पास एक केबल होती है ऐसे छोटी सी, इस केबल को आप यहाँ पे कनेक्ट करते हैं अपने Atmega में, सॉरी AVR में, और आप डायरेक्ट अपने लैपटॉप में इंसर्ट करते हैं। और लैपटॉप में आप जैसे इंसर्ट करेंगे, लैपटॉप में जैसे ही आप केबल को इंसर्ट करेंगे, आपका ये जो AVR है ये आपके लैपटॉप से कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। कनेक्ट होने के बाद जो है आपके पास एक बूट लोडर होता है, वो अभी मैं कोड के बाद समझाता हूँ, ठीक है। तो Atmega 8 में, Atmega 8 की क्या खासियत होती है, Atmega 8 का कुछ अपना लोकल स्टोरेज होता है, कितना होता है लोकल स्टोरेज वो भी देखते हैं। सो Atmega 8 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर होता है, और इसमें 32 8 करके 32 पिंस होती हैं, 32 × 8 पर क्या कहते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर्ड होते हैं, रजिस्टर्स होते हैं। इसको मैं समझाता हूँ छोटा सा एग्जांपल, हाँ ये है। तो इसमें अगर आपने देखा हो तो इसमें PB1 B1 B2 B3 B4 B5 के बाद B6 B7 B7 7 पिन हो गए। तो ये 7 क्या 8 होती हैं, 0 से स्टार्ट होता है इसलिए 8 पिंस होती हैं, ठीक है। तो BDC 3 तरह के अलग-अलग पिंस होते हैं, ठीक है। तो तीनों का अलग-अलग मतलब कि सारे एक पोर्ट होते हैं, एक पोर्ट का एक अलग फंक्शन होता है। मतलब कि अगर आप सारे बी पोर्ट से अगर इनपुट ले लिए हैं तो आप सी पोर्ट या डी पोर्ट से आउटपुट ले सकते हैं किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। VCC और ग्राउंड जो है, VCC आपका बेसिकली इनपुट हो जाता है और ग्राउंड आप जानते हैं माइनस नेगेटिव टर्मिनल हो जाता है, ठीक है। सो अब आप जब कोड करेंगे तो आपके लिए ये जो B1 B2 B3 B5 है इसका बड़ा इंपॉर्टेंस रहेगा। C0 C1 C2 C3 C5 C7 तक होता है, ठीक है, इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होगा, अभी आपको कोड के टाइम में समझाऊंगा, ठीक है। अब कोड पे आ जाते हैं, बंद हो जा मेरे दोस्त, ठीक है। अब कोडिंग पे आते हैं, ठीक है। तो कोडिंग में आपके पास कितने पोर्ट हैं? पोर्ट बी, पोर्ट सी। अब इसमें आप देख रहे होंगे ये आपके पास कितने हैं, 0 0 0 1 1 1 7 and 8 वैल्यूज हैं, ठीक है। आपके पास इस पोर्ट में 8 वैल्यूज हैं, ठीक है। तो आपने पहले पोर्ट बी को डिफाइन कर दिया एंड पोर्ट आर को, सॉरी सी को डिफाइन कर दिया, ठीक है। उसको डिफाइन करने के लिए हमें हमेशा आप DDR लिखते हैं, DDR के आगे आप पोर्ट नंबर लिखते हैं, इट मे बी बी इट मे बी सी। अब ये LS मैंने क्या लिया, लेफ्ट सेंसर लिया, और RS क्या लिया मैंने, राइट सेंसर लिया, ठीक है, ठीक है, क्लियर है इतना सबको? कोड अभी से बताते रहेगा नहीं तो आगे कंफ्यूजन होगा। कोड इतना क्लियर है सबको? कोड इतना क्लियर है? क्लियर है बताइए, चैट में अभी आ नहीं रहा है। ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अब इसमें बहुत सिंपल है, ठीक है, ये आपका लेफ्ट सेंसर हो गया, ये आपका राइट सेंसर हो गया। अब राइट सेंसर में आप सिंपली करते क्या है, अगर आपका राइट सेंसर ऑन है, ठीक है, देखिए इसमें 8 अलग अलग पोर्ट हैं, लेकिन 8 पोर्ट में से मैंने अपने राइट सेंसर को पोर्ट नंबर 1 में लगाया है, ठीक है,
ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ठीक है, मैंने पोर्ट नंबर 1 में सेंसर को लगाया है और लेफ्ट सेंसर को पोर्ट नंबर 0, 1, 2, 3 थर्ड पोर्ट में लगाया है। पहला नंबर हम पोर्ट जब काउंटिंग करते हैं तो 0, 1, 2, 3 काउंट करते हैं, आप 1, 2, 3, 4 भी काउंट कर सकते हैं, बट ज्यादा करेक्ट इज ऑलवेज स्टार्ट नंबर फ्रॉम 0 ठीक है। तो मैंने आपको सिखाया ना कि आपके एटमेगा में 3 पोर्ट हैं बी सी डी और हर पोर्ट के 8-8 पिन हैं ठीक है। तो मैंने अपने राइट सेंसर को पोर्ट नंबर 0 में लगाया और लेफ्ट सेंसर को पोर्ट नंबर 3 में लगाया ठीक है। अब आप कंडीशनल स्टेटमेंट्स बनाएंगे ठीक है। इफ राइट सेंसर, राइट सेंसर में कौन सा पोर्ट लगा हुआ है 0 और लेफ्ट सेंसर में कौन सा लगा है 3 ठीक है। तो इफ बोथ द सेंसर्स आर ऑन, इफ बोथ द सेंसर्स आर ऑन तो आपके मोटर जो है वो पोर्ट बी में लगे हुए हैं। तो इफ बोथ द सेंसर्स आर ऑन तो आपका मोटर में जो दो मोटर लगी हुई हैं, एक मोटर लगी है पोर्ट नंबर 1 में, एक मोटर लगी हुई है पोर्ट 0, 1, 2, 3, 4 एक मोटर लगी है पोर्ट 1 में, एक मोटर लगी है पोर्ट 4 में। तो अगर आपके दोनों सेंसर ऑन है तो आपके दोनों मोटर ऑन हो जाएंगे ठीक है। अब इफ अगर ऐसा नहीं हुआ, इफ आपका राइट सेंसर ऑन है और लेफ्ट सेंसर आपको दिख रहा होगा ऑफ है, अगर आपका राइट सेंसर ऑन है लेफ्ट सेंसर ऑफ है तो आपने मोटर भी एक ऑफ कर दिया। देखिए यहां पे एक मोटर ऑन है लेकिन एक मोटर ऑफ है, और वाइस वर्सा केस, अगर आपका राइट सेंसर ऑफ है और लेफ्ट सेंसर ऑन है तो आपने मोटर्स को भी रिवर्स कर दिया, आपने मोटर में पोर्ट नंबर इसको ऑफ कर दिया और इस पोर्ट को ऑन कर दिया जैसा कि अभी हमने समझा था। और चौथा केस बनेगा जब आपके दोनों सेंसर ऑफ हैं तो आपने दोनों मोटर्स को ऑफ कर दिया, जैसा कि लास्ट में मोटर जब अपने पाथ पे पहुंच जाता है तो आप दोनों मोटर्स को ऑफ कर देते हैं। कितने लोगों को ये समझ में आ गया? समझ में आ गया तो एस लिखिए, दोबारा अगर आप चाहते हैं कि मैं समझाऊं तो डी लिखिए। समझ में आ गया? समझ में आ गया? बताइए बताइए बताइए, इसको कंप्लीट करते हैं फिर आईओटी की तरफ बढ़ते हैं। कितने लोगों को समझ में आ गया बताइए? क्लियर है, कोड क्लियर है ना? क्लियर है, वेरी गुड, कोड क्लियर है। मिलिंद, विष्णु, आरुषि, सबको क्लियर है, समझ में आ गया। महिमा, मिलिंद, यस सर क्लियर है ठीक है। तो अब आप बहुत इजी है ठीक है, एक बार कोड को आप दोबारा देखेंगे, मैं सारी फाइल्स आपके साथ शेयर कर दूंगा तो आप कोड को दोबारा देखेंगे तो आप समझ जाएंगे ठीक है। सिर्फ रिपीट, वेरी गुड ठीक है, मैं खुद रिपीट करना चाह रहा था ठीक है। मैं एक बार फिर से समझाता हूँ ठीक है, एक बार फिर से समझाता हूँ, एक बार ध्यान से देखिएगा। कहाँ गया? वो जो मैं आप लोग को वीडियो दिखा रहा था ना, वो पता नहीं कहाँ पे। ठीक है चलिए यही दिखा देता हूँ ठीक है। तो ये आपको क्लियर होगा कि जब आपको अपने मोटर को ऑन ऑफ करते हैं सेंसर के बेसिस पे, मैंने जो वीडियो दिखाया था छोटा सा, तो उस वीडियो में सबको ये क्लियर था कि जब आपका बॉट आगे बढ़ रहा है, जब ये आपका बॉट
आगे बढ़ रहा है। पहली चीज तो अब मैं ये सारी चीजें आपको चला के नहीं दिखा पा रहा हूँ, जिसका मुझे दुख है, क्योंकि ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है। और दूसरी चीज की ऑल ऑफ सडन ट्रेनिंग प्लान हुई, तो ऑल ऑफ सडन मतलब मुझे ध्यान नहीं था, ठीक है, रिमाइंडर नहीं दिया गया था आपकी तरफ से, तो ऑल ऑफ सडन मेरे पास कोई भी मटेरियल भी नहीं था। सो अभी मैं आपको चला के नहीं दिखा पा रहा हूँ, बट मेरी पूरी कोशिश है कि मैं सारी चीजें आपको समझा दूं, ठीक है। तो अब अगर आप ये देख पा रहे हो तो ये दो सेंसर हैं, ठीक है। अब ये ब्लैक लाइन पे चलने के लिए जो है, मैंने आपको वीडियो दिखाया था, वो वीडियो आप सबको क्लियर होगा, ठीक है। अब वीडियो के बाद की कहानी ये है कि आपका जो इसमें वो होता है, पोर्ट होता है, जो आपका आईसी होता है, ये इसमें अगर आप देखेंगे तो यहां पे आपके पास जो है, ये देखिए, दो सेकेंड, सी पोर्ट है, ये आपके बी पोर्ट है, बी, ठीक है, और अलग अलग कलर्स कर देता हूं, ये सी है, सी है, दो सेकेंड दो सेकेंड दो सेकेंड, ब्लू कलर, डी ले लेता हूं, डी जीरो, डी वन, डी टू, डी थ्री, डी फोर, ठीक है। उसके बाद आपका ये सी वाले हो गए, सी जीरो, सी वन, सी टू, सी थ्री, सी फोर, सी फाइव, ठीक है। फिर डी फोर के बाद डी फाइव, डी सिक्स एंड डी सेवन, ठीक है। तो इसमें बहुत सिंपल सा फंडामेंटल होता है, ठीक है, बहुत सिंपल सा चीज ये होता है कि इसमें जैसे डी पोर्ट है, पोर्ट डी हो गया, पोर्ट डी जो है इसमें सेवन अलग अलग, एट सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है, ए बी सी डी, नहीं ऐसे आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। जैसे आपका पोर्ट डी है, ठीक है, तो पोर्ट डी आपका डी जीरो होता है, डी वन होता है, डी टू होता है, डी थ्री होता है, डी फोर होता है, और ऐसे ही डी सेवन तक होता है, ठीक है। तो एक्चुअल में कितने हैं, टोटल काउंट है एट है, लेकिन यहां पे सिर्फ सेवन तक वैल्यू आ रही है, क्योंकि ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अगर आप देख पा रहे हो तो पी बी वन, बी का जीरो ये है, ठीक है, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स एंड देन सेवन। तो टोटल देखने में तो सेवन लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में है कितना, एट है, ठीक है। तो ऐसे कितने तरीके के पोर्ट हैं, पोर्ट डी है, पोर्ट सी है और पोर्ट बी है। तो एट 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 सिक्सटीन, दो एट सिक्सटीन हुआ, तो टोटल पिन आपके पास 32 है, जिसमें से कि वीसीसी और ग्राउंड और ये हो गए, तो आपके पास एट तरह के, एट पोर्ट्स कितने हो गए, एट पोर्ट कितने हो गए, तीन तरह के, एक डी हुआ, एक बी हुआ, एक सी हुआ, तो आपके पास टोटल एट पिन इसकी हुई, एट पिन इसकी हुई, एट पिन इसकी हुई, ठीक है। अब आप अगर इसमें से सब में इनपुट ले लेते हैं, तो यहां से आउटपुट ले सकते हैं, यहां से इनपुट ले सकते हैं, या किसी भी केस में आप उल्टा सीधा कैसे भी कर सकते हैं, अपने लग्जरी और अपने कोडिंग स्किल के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इसको मैं आगे समझाता हूं, दो सेकेंड, समझाता हूं आगे मैं, दो सेकेंड दो सेकेंड, ठीक है। तो अब अगर आप आगे देखेंगे, कहां गया पिन, हाँ पिन डिस्क्रिप्शन, तो ये देखिए, मैंने यही बताया ना कि एक डीडी, दो सेकेंड, देखिए पोर्ट बी के जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन। अब इसमें बेसिकली हम कोड में कर क्या रहे थे कि आपने बी पोर्ट है, ये बी है क्या यार, ठीक है, ये आपका बी पोर्ट है, ठीक है, ये आपका बी पोर्ट है, पोर्ट बी है, ये कौन सा है, ये बी है, ठीक है। अब आपने अपने सेंसर को किसी एक पोर्ट में लगाया हुआ है, ठीक है,
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ठीक है। तो आपने इसमें किया क्या है कि आपने अपने सेंसर को, आपके पास कितने सेंसर हैं, आपके पास दो सेंसर हैं, तो आपने एक सेंसर इस पोर्ट में लगा दिया और एक सेंसर आपने इस पोर्ट में लगा दिया, और आपके पास मोटर कितनी है, दो, तो आपने एक मोटर को इस पोर्ट में लगा दिया और एक मोटर को इस पोर्ट में लगा दिया। अब क्या सिर्फ इसी पोर्ट में लगाना है हमेशा? नहीं, आप किसी भी पोर्ट में लगा सकते हैं अपने सेंसर को और किसी भी पोर्ट में लगा सकते हैं अपने मोटर को, ठीक है। तो अगर अब आप कोड पे देखेंगे, कोड में जाएंगे, अगर आप कोड में जाएंगे, एक्चुअल कोड बहुत डिफिकल्ट था, ये मैंने खुद का कोड बनाया, ठीक है। तो अगर अब आप कोड में जाएंगे तो इसमें आपको देखिए पोर्ट क्या मिल गया, पोर्ट बी मिल गया, पोर्ट बी में जो है पोर्ट बी मिल गया आपको, और आप पोर्ट सी, दो पोर्ट जो है आपने डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब इसमें पोर्ट सी में आपने, पोर्ट नंबर C0 में आपने एक सेंसर लगा दिया जिसको आपने नेम दे दिया राइट सेंसर, और लेफ्ट सेंसर को आपने किस पोर्ट पे लगा दिया, 0, 1, 2, 3 थर्ड पे, ठीक है। राइट सेंसर इस पे, लेफ्ट सेंसर इसमें। अब पहला केस आपने बनाया जब राइट सेंसर ऑन है और लेफ्ट सेंसर दोनों ऑन है, तो आपने मोटर को एक पोर्ट पे लगाया और दूसरे मोटर को दूसरे पोर्ट पे लगाया, तो जब आपके दोनों सेंसर ऑन है तो आपने दोनों मोटर को ऑन कर दिया, ठीक है। अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो राइट सेंसर ऑन है, यहां पे राइट सेंसर ऑन है, यहां पे अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट सेंसर ऑन है लेकिन यहां पे लेफ्ट सेंसर ऑफ है, तो जैसे ही यहां पे लेफ्ट सेंसर ऑफ हुआ तो यहां पे आपने एक मोटर को भी ऑफ कर दिया, ठीक है। अब ये वाला जो केस है इसी का ऑपोजिट केस हो गया ये वाला, और ये वाला केस है कि जब आपके दोनों सेंसर ऑफ है तो आपने अपने दोनों मोटर को ऑफ कर दिया। अब क्लियर है सबको, अभी क्लियर है सबको कमेंट में बताइए। तो अब कोड को कैसे इसमें बर्न करते हैं वो मैं समझाता हूं। क्लियर है सबको? क्लियर है, सी लिखिए तो मैं इसमें बर्न कैसे करते हैं कोड को। यस क्लियर टाइप करिए, यस क्लियर है, ठीक है। अब इसको बर्न कैसे करते हैं, अब आपने AVR को इसमें कनेक्ट कर लिया है, ठीक है। अब AVR को कनेक्ट करने के बाद जो है अब आप क्या करेंगे, दो सेकेंड में AVR को कनेक्ट करता हूं। अब मैं अपने AVR को लैपटॉप से कनेक्ट कर लिया, ठीक है। अपने AVR को मैंने कनेक्ट कर लिया, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा कि मेरे AVR में अभी लाइट जल रही है, ठीक है, इसमें लाइट जल रही है, ठीक है। लाइट सबको दिख रही है ना? ठीक है, लाइट सबको दिख रही होगी, ठीक है। अब आपको आना है ये, ठीक है। आपको बूट लोडर कोई भी डाउनलोड करना होगा, आपको इंटरनेट पे बहुत सारे बूट लोडर मिल जाएंगे। जब भी आप ये अपना AVR ऑर्डर करते हैं तो आपको AVR के साथ इसमें कौन सा बूट लोडर आपको चाहिए उसका भी आपको एक CD देता है, उस बूट लोडर को आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने लैपटॉप में, ठीक है। अब इस बूट लोडर को अगर मैं फाइंड करूं तो फाइंड डिवाइस, देखिए ये मेरा बूट लोडर नहीं मिला, ठीक है। तो अब इस बूट लोडर को मैं, अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे एक छोटा सा बटन है, ठीक है, इस बटन को ऑन ऑफ बटन है, ठीक है, ये वाला बटन आप सबको दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस बटन में एक खासियत है, यहाँ पे लिखा है प्रोग्राम और एक लगा है USB, तो जब आपने कोड कर दिया इसको तो प्रोग्राम पे स्विच कर देते हैं, क्योंकि अब आप बैटरी लगा देंगे और ये प्रोग्राम के थ्रू चलने वाला है, लेकिन जब आपको इसको कोड करना है तो आप इसको USB मोड पे कनेक्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी USB आपका लैपटॉप से कनेक्टेड है। और आप ये रीसेट बटन पे क्लिक करेंगे तो जो इसमें पहले से कोड है वो कोड डिलीट हो जाएगा। अब आप फ्लैश बूट लोडर पे क्लिक करेंगे तो फाइंड डिवाइस देखिए आ गया, ठीक है। अब मैंने इस डिवाइस को फाइंड कर लिया, अब इसमें मुझे कोड बर्न करना है, तो कोड बर्न करने के लिए मैं क्या करूंगा, जो भी कोड मैंने लिखा था, जो भी कोड मैंने सेव किया था, अब उस कोड को मैं जाके ढूंढूंगा, ठीक है। लेट्स से मेरा कोड सेव है डेस्कटॉप IoT सेशन IoT IoT में नहीं है, IoT सेशंस डिजिटल सिस्टम
codes on AVR, black line follower. कहाँ गया कोड? कोड्स, ब्लैक लाइन फॉलोअर. क्या हो गया? दो सेकेंड. देखिए ये कोड मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है. अब ये कोड सिलेक्ट करने के बाद मुझे ये कोड इस पे बर्न करना है, तो बर्न करने के लिए मैंने राइट पे क्लिक कर दिया. आवाज आ रही है सबको? अभी मेरा कोड जो है बर्न हो गया और ये कोड जो है इस पे जा चुका है. सबको आवाज आ रही है? सबको आवाज आ रही है? अभी मेरा कोड बर्न हो गया एवीआर में. सुनाई दे रहा है सबको? सुनाई दे रहा है सबको? अभी मेरा कोड बर्न हो गया. अभी मुझे इसको शांत कराने के लिए क्या करना होगा? यहाँ पे रीसेट बटन दिया हुआ है, रीसेट पे क्लिक कर दिया मैंने, कोड ऑटोमेटिक डिलीट हो गया. एवीआर में आप कोड कितनी बार लिख सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं? 10,000 टाइम्स, ठीक है. अगर इस कोड को मैं दोबारा से बर्न कर दूं, फिर से ये चिल्लाने लगेगा, ठीक है. अब फिर इसको चुप कराने के लिए मैं कोड को फिर से डिलीट कर दिया रीसेट पे दबा के, ठीक है. ठीक है, तो दिस इज एज सिंपल एज दैट. बहुत ज्यादा इजी है, इसमें आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है. अब आपने कोड को एक बार बर्न कर दिया, उसके बाद आप, अब हाँ, कोड आप करेंगे किस लैंग्वेज में, ठीक है. यहाँ पे तो आप सी लैंग्वेज में किए थे, आप किसी भी कोडिंग लैंग्वेज को यूज करके कोड कर सकते हैं. पाइथन, एम्बेडेड सी, सी, जावा, जो भी आती है. मैंने यहाँ पे एम्बेडेड सी यूज किया है, ठीक है. ठीक है, एम्बेडेड सी यूज किया है. आपको ये रोबो सेपियन, क्योंकि मैंने ये हार्डवेयर जो है रोबो मार्ट से खरीदा था, तो मैं रोबो सेपियन का बूट लोडर यूज कर रहा हूँ. बहुत सारे बूट लोडर्स आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं, ठीक है. उसके बाद अब आपको क्या समझाना रह गया है? मुझे लग रहा है अब हम लोग IoT की तरफ बढ़ने वाले हैं, ठीक है. हाँ, तो अब जैसे ब्लैक लाइन फॉलोअर है, ऐसे ही बहुत तरह तरह के लाइन फॉलोअर्स होते हैं. एंड दूसरी चीज, कितने लोग अभी, अगर आपको ये बॉट जो है, ये बॉट अगर चलने लगा है मेरा, तो इसको अगर आपको कंट्रोल करना है अपने मोबाइल से, ठीक है, तो मोबाइल से कंट्रोल करने के लिए आता है ये DTMF मॉड्यूल, ठीक है. कितने लोग DTMF मॉड्यूल जानते हैं? कितने लोग DTMF मॉड्यूल का नाम सुने हैं? कितने लोग DTMF मॉड्यूल का नाम सुने हैं? ये कुछ ऐसा दिखता है DTMF मॉड्यूल. DTMF मॉड्यूल, कोई फुल फॉर्म बताएगा DTMF मॉड्यूल का? ये डिजिटल खत्म होने वाला है, और डिजिटल खत्म होने के बाद हम लोग 5-10 मिनट का ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम लोग IoT स्टार्ट करेंगे, ठीक है. नेम सुना है बस महिमा. DTMF मॉड्यूल, ठीक है, मैं बताता हूं आपको DTMF मॉड्यूल. कितने लोग वो वाला नोकिया का कीपैड फोन देखे हैं? कितने लोग कीपैड फोन देखे हुए हैं? अभी मेरे पास है मतलब बहुत ढूंढना पड़ेगा. कितने लोग कीपैड फोन देखे हैं वो वाले? और कितने लोग उस कीपैड फोन में पहले रिंगटोन बनाना जानते थे? वो टी 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 अलग अलग कीपैड फोन में अगर आप अलग अलग बटन दबाइए तो अलग अलग टोन आती थी. मैं आपको दिखा सकता हूँ, दो सेकंड मुझे ढूंढना होगा. दो सेकंड मैं निकालता हूँ आपके लिए. कितने लोग इस तरह वाला फोन देखे हैं? ठीक है, अब अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो आप जितने भी बटन इसमें दबाते हैं ना, हर बटन की एक अलग अलग टोन होती है. ठीक है, हर बटन की अलग अलग टोन होती है.
पहले हमने देखा होगा कि नोकिया वाले फोन में हम अलग अलग बटन दबाते थे तो हम रिंगटोन बनाना जानते थे, ठीक है, रिंगटोन बनाना जानते थे। तो ये अलग अलग टोन आती क्यों है, अलग अलग टोन का मतलब क्या होता है, ये मैं समझाता हूँ, ठीक है। सो बेसिकली है क्या, आपका बटन होता है जो वो कुछ ऐसा होता है, बटन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 star #, ठीक है। अब हर बटन पे अलग अलग टोन आती है, क्यों टोन आती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हर लाइन की अलग होती है। इस लाइन की फ्रीक्वेंसी है F1, F2 है इस लाइन की फ्रीक्वेंसी, F3 है इस लाइन की फ्रीक्वेंसी और F4 है इस लाइन की फ्रीक्वेंसी, F5 है इस लाइन की फ्रीक्वेंसी, F6 है इस लाइन की फ्रीक्वेंसी और F7 है इस लाइन की फ्रीक्वेंसी। तो अब अगर आप देखेंगे तो यहां पे क्या हुआ, बटन 1 की फ्रीक्वेंसी क्या हुई, F1 5, बटन 6 2 की फ्रीक्वेंसी क्या हुई, F1 6, 3 की क्या हुई, F1 7, ठीक है, इसकी 4 की क्या हुई, F2 5, 5 की क्या हुई, F2 6, F2 7, ठीक है, F3 5, F3 6। अगर आप यहां पे कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो तो हर बटन की फ्रीक्वेंसी एक यूनिक फ्रीक्वेंसी है, हर बटन की फ्रीक्वेंसी एक यूनिक फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि वो यूनिक फ्रीक्वेंसी है इसीलिए आप जब भी कोई बटन प्रेस करते हैं तो उसमें एक अलग आवाज आती है और ये जो फ्रीक्वेंसी क्रिएट हो रही है ये होती है DTMF मॉड्यूल के कारण। और DTMF मॉड्यूल का फुल फॉर्म क्या होता है, ड्यूअल टोन मल्टी फ्रीक्वेंसी। कितने लोग समझ गए हैं DTMF मॉड्यूल, DTMF मॉड्यूल कितने लोग समझ गए, DTMF मॉड्यूल कितने लोग समझ गए, कमेंट बॉक्स में बताइए। इस मोबाइल फोन से अलग अलग बटन दबाने पे अलग अलग आवाज क्यों आती है, कितने लोग समझ गए, और DTMF मॉड्यूल कितने लोग समझ गए, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में बताइए सब लोग। ड्यूअल टोन मल्टी फ्रीक्वेंसी, वेरी गुड, अभी आपके कमेंट्स आने लगे, ठीक है, वेरी गुड, सब लोग समझ गए, ठीक है। अब जब आप कोड करते हैं, दो सेकेंड में, ठीक है। सो ड्यूअल टोन मल्टी फ्रीक्वेंसी सबको क्लियर हो गया, ठीक है, हाँ, वेरी गुड। सो ड्यूअल टोन मल्टी फ्रीक्वेंसी सबको क्लियर हो गया। तो जब आप अपने इस बॉट को बना रहे थे और जो अभी मैं आपको कोड दिखा रहा था, सो उसमें आप करते क्या है कि अलग अलग बटन है तो अलग अलग बटन के लिए आप अलग अलग फ्रीक्वेंसी देते हैं और एक बार अपने आप AVR से ड्यूअल टोन मल्टी फ्रीक्वेंसी को कनेक्ट करते हैं तो आप अपने मोबाइल के थ्रू जो है अपने रोबोट को कंट्रोल कर सकते हैं। अब मेरे मन में क्वेश्चन आता है कि अगर मैं मोबाइल को अपने वायर से कनेक्ट कर दूंगा, इससे इसको कनेक्ट करने के लिए कनेक्टर आता है, कनेक्टर अभी दिखने का, हाँ, ये एक छोटा सा कनेक्टर है, ठीक है, इस कनेक्टर को आप सीधा अपने मोबाइल के जहां पे भी चार्जर वो हेडफोन लगाते हैं हेडफोन से कनेक्ट करेंगे और उसके बाद इस जम्पर वायर को लेंगे और अपने इसमें बोर्ड में कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब ये वायर तो कनेक्ट हो गया, अब यहाँ इसको ऑडियो जैक में क्यों कनेक्ट किए, ताकि वो अलग अलग टोन के ऑडियो को आपका ये AVR समझ सके, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये वायर से कनेक्ट है तो क्या हम इसको ऐसे पीछे पीछे लेके भागेंगे,
क्या पीछे लेके भागेंगे? नहीं। अब इसमें आप क्या करेंगे, आप अपने स्मार्टफोन को लेंगे और स्मार्टफोन से इस फोन पे अपने कॉल करेंगे, ठीक है। और जब आप अपने स्मार्टफोन के अलग अलग बटन्स को दबाएंगे तो वो इस फोन को कंट्रोल करेगा, क्योंकि आप अपना वन मोबाइल में दबा रहे हैं इसमें, लेकिन आपका कंट्रोल जो है ये होगा। कितने लोग समझ गए? क्योंकि आपके स्मार्टफोन में फ्रीक्वेंसी वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलता है, आपके स्मार्टफोन में नॉर्मल डिजिटल चलता है, लेकिन जब आप यहाँ पे एक दबाएंगे तो यहाँ का एक जो है वो इस फ्रीक्वेंसी मिलेगा। इसीलिए जब आप कस्टमर केयर को कॉल करते हैं और वो बोलता है कि भाषा बदलने के लिए एक दबाएं, इंग्लिश के लिए दो दबाएं, वो कैसे पता चलता है कि आपने एक दबाया कि दो दबाया? क्योंकि जब आप एक दबाते हैं तो एक फ्रीक्वेंसी जाती है और वो उस फ्रीक्वेंसी को समझ के आपको समझते हैं कि आपने कौन सा बटन दबाया। कितने लोग समझ गए कि कस्टमर केयर को कैसे पता चलता है कि आपने एक दबाया, दो दबाया, तीन दबाया? रेज योर हैंड इफ यू हैव अंडरस्टूड। कितने लोग समझ गए कि एक दबाएं, दो दबाएं, तीन दबाएं क्या मतलब होता है? ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स यहां से खत्म होता है, ठीक है। अभी अभी मैं IoT का थोड़ा बहुत पढ़ाऊंगा और फिर आपने जो एनालॉग पढ़ा, डिजिटल पढ़ा और IoT पढ़ेंगे, फिर इन तीनों को मर्ज करके मैं प्रोजेक्ट्स बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। अभी बस छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियस है 2-3 घंटे में बहुत ज्यादा कुछ पढ़ाया नहीं जा सकता, ठीक है। तो अभी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, वेरियस टाइप्स ऑफ बॉट, बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं, एज अवॉइडर, लाइन रोबोट, वॉल फॉलोअर, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको आर्डिनो के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। तो आर्डिनो में कोड करने के लिए आपको सिंपली करना क्या होगा, आर्डिनो में कोड करने के लिए आपको सबसे पहले आर्डिनो की वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है। आर्डिनो की वेबसाइट पे जाएंगे और आर्डिनो की वेबसाइट पे जाने के बाद जो है सबसे पहले आपको आर्डिनो ID, यहाँ पे अगर आप विंडोज यूज कर रहे हैं तो विंडोज में जाके और आपको आर्डिनो का सॉफ्टवेयर आपको फ्री में डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करके जब आप इंस्टॉल करेंगे तो कुछ आपको ऐसा आर्डिनो खुल के आएगा, ठीक है। ऐसा आर्डिनो जब आपको खुल के आएगा तो यहीं पे आपको वो सारे कोड जो है करने होते हैं, जितना भी कोड अभी मैंने दिखाया था वो सारा कोड यहीं पे होता है। तो अभी हम AVR यूज कर रहे हैं, लेकिन जब आप आर्डिनो यूज करेंगे तो आप आर्डिनो को आर्डिनो से कोड करेंगे। जैसे अभी मैं ये वाला कोड अगर ले जाऊं, कोड्स ऑफ AVR ब्लैक लाइन फॉलोअर, ठीक है, कॉपी, ये कोड को आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और ये आपका कोड हो गया। एक बार आपका कोड हो गया उसके बाद आप अपने AVR में सेव करके, सॉरी AVR में नहीं, आर्डिनो में अपलोड कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अभी आर्डिनो स्टूडियो, इसका अभी आपको बहुत ज्यादा यूज आएगा IoT के डिवाइसेस बनाने में, उसको भी अभी मैं समझाता हूँ आपको, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा हम ब्रेक लेंगे 5 मिनट का, ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। सो हमारा एनालॉग कंप्लीट हो गया, बेसिक एनालॉग, बेसिक डिजिटल कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम आर्डिनो की तरफ, सॉरी IoT की तरफ शिफ्ट होंगे, बट IoT से पहले हमारा 5 मिनट का ब्रेक होगा, ठीक है। 5 मिनट का ब्रेक चलेगा, 5-10 मिनट कमेंट में बताइए, 5-10 मिनट का ब्रेक चलेगा, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग जो है अभी 1:45 हो रहा है, 1:55 पे मिलते हैं, 1:55 पे मिलते हैं, ठीक है। फाइव मिनट सर, ठीक है, 1:51 पे मिलते हैं, 1:51 पे मिलते हैं ऑल ऑफ यू, ठीक है, 1:51। हाँ, ESP भी बताएंगे, ये ESP मैं रखा हूं सामने, ठीक है, ये ESP मॉड्यूल है मेरे पास, बेसिक में बताऊंगा, ठीक है श्रेयांश, मैं ESP भी बताऊंगा। और 1:51 पे मिलते हैं हम लोग, ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक है।
सब लोग वापस आ गए, सब लोग वापस आ गए. लेट मी नो, रेज योर हैंड्स. आर यू गाइस देयर? सब लोग वापस आ गए, सब लोग रेस्ट कर रहे हैं लगता है. श्रेयांश जल्दी आइए, ईएसपी के बारे में बात करने वाले हैं. श्रेयांश द प्राइम गेमर, प्रिया, श्रेयांश, अंश, आशु, स्वयं, स्वयं, उज्जवल, महिमा, उज्जवल, एल्बो कफ, यू गॉट दिस. एल्बो कफ क्या है? बाकी लोग अभी मुझे सारे लोग नहीं दिख रहे हैं. स्टार्ट करें, स्टार्ट करें. टाइप एस इफ यू वांट टू स्टार्ट. टाइप एस इफ यू वांट टू स्टार्ट. ठीक है, चलिए, वेरी गुड. तो अब हम बढ़ते हैं अगले सीन की तरफ अपने, ठीक है. वेरी गुड, ठीक है. सब बंद करते हैं, बायोटी वाली चीजें देखते हैं. वेरी गुड. प्राइम गेमर सरोज, प्रकुल, आरुषि, विष्णु, उज्ज्वल, स्वयं, सब आ गए हैं. मूविंग फॉरवर्ड, आईओटी सेशन, आईओटी वाला पार्ट, ठीक है. सो इंट्रोडक्शन देखता हूं, मैं भी अभी सारे देखा नहीं हूं, ठीक है. सो अगेन मैं एक बात अपनी दोबारा से रिपीट करूंगा कि मैं सेशन के लिए बिल्कुल भी बहुत लास्ट मोमेंट पे मुझे इन्फॉर्म किया गया है, तो मेरे पास जो ईएसपी है ये जल गया हुआ है, ये काम नहीं करता है, ठीक है. सो मैं बस समझा देता हूँ आपको कि है क्या सीन पूरी, एंड आप खुद ही उसको कर पाएंगे, ठीक है. दो सेकेंड. ठीक है, तो मैं बेसिक में बस समझा देता हूं आपको कि सीन है क्या पूरी, ठीक है. तो ESP8266 पहले IoT समझते हैं, ठीक है. कितने लोग IoT पहले से सुने हैं या जानते हैं? अगर आप IoT के बारे में कुछ भी जानते हैं तो मुझे बस एक सेंटेंस में बताइए. IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स. और IoT में आपका फेवरेट पार्ट क्या है? IoT, इंटरनेट, नॉट मच. अच्छा, और किसी का कुछ? नॉट मच, ठीक है, बहुत सिंपल है. इंटरनेट ऑफ थिंग्स, थिंग्स अगर आप वर्ड ले लेते हैं थिंग्स, ठीक है. तो अगर जब आप IoT बहुत डिटेल में पढ़ते हैं तो उसका आर्किटेक्चर पढ़ाया जाता है, बहुत सारी चीज़ें, अलग अलग तरीके की चीज़ें पढ़ाई जाती हैं. बट बेसिक अगर मैं समझाऊं तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, थिंग्स इसमें जो थर्ड वर्ड है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है. थिंग्स मतलब आपके अराउंड जितनी भी चीज़ें हैं उनको आप कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं, ठीक है. उनको कैसे आप रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है. जैसे कि सबसे फेमस और सबसे ज्यादा अच्छा लगने वाली चीज जो है सबको, वो है होम ऑटोमेशन. कि आप अपने घर के अप्लायंसेस, घर की लाइट, पंखा, फ्रिज, एसी, कूलर, इन सारी चीजों को आप मोबाइल से कंट्रोल कर सकिए. यस, यू कैन कंट्रोल गैजेट और एनीथिंग, ठीक है. अब किसी के मन में क्वेश्चन आएगा कि सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, तो हम अपने घर में अप्लायंसेस को तो उसके थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है. हम अपने लैपटॉप को रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है. आप अपने मोबाइल का या लैपटॉप का किसी को रिमोट एक्सेस दे सकते हैं, वहां पे भी कंट्रोल हो रहा है.
आईओटी में भी कंट्रोल हो रहा है, तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या है, कोई बताएगा? दोनों में अंतर क्या है? मैं बताता हूं, देखिए जब आप एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप को कनेक्ट कर रहे हैं, चला रहे हैं ना, तो दोनों इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड हैं, ठीक है? दोनों इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड हैं, दोनों इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं, ठीक है? दोनों इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं, इसीलिए आप रिमोटली कंट्रोल कर पा रहे हैं। लेकिन आईओटी में जरूरी नहीं है कि जो चीज आप कंट्रोल कर रहे हैं वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो। जैसे कि आपके घर में पर्दे लगे हुए हैं, ठीक है, आप चाहते हैं कि आपके कर्टेन्स ऑटोमेटिक ऑन ऑफ खुल जाए, बंद हो जाए, तो आप क्या करेंगे, एक कोई मोटर लगा देंगे जो आपके पर्दे को एक तरफ से पुल करेगा और दूसरा है जो खोलने के लिए दूसरे तरफ से पुल करेगा, ठीक है? तो आप किसी नॉन लिविंग थिंग, वैसे तो सारे क्या कहते हैं आईओटी डिवाइसेस नॉन लिविंग थिंग ही है, लेकिन कोई ऐसी चीज जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ना हो आप उसको भी कंट्रोल करना चाहते हैं, वो बेसिकली आपका आईओटी डिवाइसेस के अंदर जो है लाए करता है, ठीक है? ठीक है, ठीक है, तो वो आपका बेसिकली आईओटी डिवाइस हो गया। तो आईओटी डिवाइस बहुत सिंपल चीज है कि आप किसी भी चीज को अपने सराउंडिंग में अगर कंट्रोल करना चाहते हैं, वो सारी चीजें आपके अगर कंट्रोलेबल है दैट देन इट कम्स अंडर आईओटी, कंट्रोलेबल नहीं है दैट इज नॉट अंडर आईओटी। तो रिमोटली आप कोई भी चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं, किसी ऑब्जेक्ट थिंग को, दैट इज ओनली योर आईओटी। अब इसको थोड़ा सा थ्योरेटिकली तरीके से देखते हैं। सो द आईओटी इज अ सिस्टमैटिक इंटर रिलेटेड कंप्यूटिंग डिवाइस मैकेनिकल एंड डिजिटल मशीन ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं, ठीक है? अ थिंग्स कैन बी A things in the internet of things can be a person with a heart monitor implant, a farm animal with a biochip transponder, an automobile that has built-in sensor to alert the driver when tire pressure is low, or any other natural or man-made object that can be assigned to internet protocol. ये थोड़ा सा वो वाला definition हो गया, ठीक है? अब जब आप detail में पढ़ते हैं तो आपको बहुत अलग-अलग तरीके की चीजें पढ़ाई जाती हैं, लेकिन हमको सिर्फ आज अपने काम का देखना है। नोड एमसीयू का नाम कितने लोगों ने सुना है? कितने लोगों ने नोड एमसीयू का नाम सुना है? मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है, ओ माय गॉड, मैंने ध्यान नहीं दिया। अभी स्क्रीन दिख रही है सबको? स्क्रीन दिख रही है सबको? अच्छा यार, मैं इतना सारा पीपीटी दिखाया गया, मैं ध्यान ही नहीं दिया, स्क्रीन नहीं ऑन था, ठीक है, कोई बात नहीं। नोड एमसीयू का नाम कितने लोग सुने हैं? श्रेयांश आपने सुना है, विष्णु आपने सुना है, ठीक है, प्राइम गेमर आपने सुना है, ठीक है। नोड एमसीयू देखने में कुछ ऐसा होता है, ठीक है। नोड एमसीयू की खासियत कोई बताएगा? हाँ, नोड एमसीयू क्यों यूज क्यों करते हैं, इसकी कोई खासियत? नोड एमसीयू की खासियत, हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड स्वयं स्वामी, मैं आपका नाम कैसे प्रोनाउंस करेंगे, मुझे थोड़ा सा वो लग रहा है, वाईफाई मॉड्यूल, ठीक है। तो ये एक तरह से ओपन सोर्स वाईफाई मॉड्यूल है, ठीक है। जब भी आप कोई डिवाइस कंट्रोल करना चाहते हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया पर्दे का, कि आप पर्दे में कर्टेन्स में अपने दो मोटर लगाएंगे, ठीक है, तो मोटर को कंट्रोल करने के लिए जो है आपको क्योंकि आप रिमोटली कंट्रोल करेंगे कहीं और बैठ के, ठीक है, तो आपके जो पर्दे में जो मोटर लगे हुए हैं उन मोटर को आपके सिग्नल कैसे मिलेंगे, ठीक है, तो वहां तक सिग्नल को लाने के लिए आप एक वाईफाई मॉड्यूल यूज करते हैं। ये वाईफाई मॉड्यूल ESP8266 है। आजकल आर्डिनो भी आ रहे हैं जिनमें प्री इनबिल्ट वाईफाई होता है, जिनमें कोई अलग से ESP8266 लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बट ESP8266 फिर भी ज्यादा प्रिफर किया जाता है क्योंकि ESP8266 सस्ता पड़ता है आपके आर्डिनो के कंपैरेटिवली, ठीक है। अब मैंने एक चीज नहीं बताया, जैसे कि आपने AVR से तो मोटर को डायरेक्ट कंट्रोल कर लिया था, ठीक है, लेकिन आप आर्डिनो से मोटर को डायरेक्ट नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, उसके लिए आप अलग से मोटर ड्राइवर वगैरह यूज करते हैं जो कि आपको मार्केट में इजिली मिल जाता है, ठीक है।
मोटर ड्राइवर देखने में कुछ ऐसा लगेगा आपको, ठीक है, वो अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ESP8266 जब भी आपकी लिमिटेशन छोटी है तो आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है, मैंने स्टार्टिंग में रिले के बारे में बताया था, ठीक है। अब आपका ये ESP8266 तो 5 वोल्ट से होता है, ठीक है, ये ESP8266 5 वोल्ट से होता है, चलता है, इसमें छोटी छोटी पिन्स हैं। तो यहां पे मैंने जो स्टार्टिंग में रिले समझाया था प्राइम गेमर पूछ रहे हैं कैन वी कंट्रोल अवर फ्रेंड बाय मोबाइल, यस यू कैन कंट्रोल योर फ्रेंड्स, ठीक है। मैंने 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 एक प्रोजेक्ट बनाया था एंड सुन के थोड़ा सा वियर्ड लगेगा आप लोग को, दैट वॉज ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरफेस, ठीक है, मतलब कि मैं जो सोच रहा हूँ सामने वाला वो करने लगे। आप मेरे लिंक्डइन पे इस प्रोजेक्ट का जिक्र आपको मिलेगा, मेरे लिंक्डइन पे जाएंगे कि आप कैसे भी, अगर मैं सोच रहा हूँ कि प्राइम गेमर आप खड़े हो जाइए, मैं सोच रहा हूं बट खड़े आप हो जाएंगे, सुन के थोड़ा सा वियर्ड लगेगा। इट इज बेसिकली कंट्रोलिंग ह्यूमंस, दैट इज नॉट IoT, दैट इज ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, ठीक है। मैंने उस पर रिसर्च पेपर भी पब्लिश किया था, ठीक है, एंड मैं इंडिया साइंस फेस्टिवल में गया था तो वहां पे भी आई वॉन सम अवार्ड्स फॉर माई प्रोजेक्ट ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। दैट वॉज बेसिकली, वो एक अलग फील्ड है, दैट इज न्यूरोसाइंस। न्यूरोसाइंस में आप ह्यूमंस को कंट्रोल कर सकते हैं, सुन के थोड़ा वियर्ड लगेगा बट हमारा जो ऑब्जेक्टिव था ह्यूमंस को कंट्रोल करने का वो था पैरालिसिस के लिए, ठीक है। पैरालिसिस होता क्या है, पैरालिसिस में आपने देखा होगा कि कोई आपका बॉडी पार्ट काम करना बंद कर देता है, ठीक है, मे बी किसी को एक हाथ में पैरालिसिस हो जाता है, हाथ काम करना बंद कर देता है, किसी को पैर में पैरालिसिस हो जाता है, ठीक है, किसी भी बॉडी पार्ट पार्शियल पैरालिसिस होता है, किसी को कंप्लीट पैरालिसिस होता है। तो पैरालिसिस में बेसिकली होता क्या है कि आपके सिर में जो है ना नर्व्स होती हैं, नर्व्स जो है आपकी पूरी बॉडी को आती हैं, अलग अलग पार्ट्स में जाती हैं और आपके बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करती हैं। जैसे कि ये आपका हाथ है, ये हाथ आपको दो नर्व्स कंट्रोल करती हैं, एक अर्लर नर्व होती है जो इधर से साइड से आती है और एक मीडियन नर्व होती है जो कि अंगूठे के पास से आती है, ठीक है। तो जब आपको अपने हाथ को ऐसे ऐसे करना है या हाथ को आपको कोई भी फिंगर ऐसे से करनी है तो आपके अर्लर नर्व और मीडियन नर्व से ही सिग्नल आ रहा है जो कि आपको पूरे अपने हाथ को कंट्रोल करने में हेल्प कर रहा है। अब इसमें हम करते क्या है कि मैं सोच रहा हूं कि मुझे हाथ कंट्रोल करना है और मेरा अर्लर नर्व और मीडियन नर्व सिग्नल दे रहा है, बट मैं अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगा के इन सिग्नल्स को आउटपुट ले लूं आर्डिनो में और वही सिग्नल मैं आपको इंजेक्ट कर दूं, तो सोच मैं रहा हूं लेकिन सिग्नल आप में इंजेक्टेड है और आप वो चीज करने लगेंगे। तो जो लोग पैरालाइज्ड होते हैं तो उनका क्या होता है कि उनका जो नर्व होता है वो नर्व कहीं से डैमेज हो जाता है, मतलब वो सोच तो रहे हैं, उनका सिग्नल आ तो रहा है लेकिन वो हाथ तक पहुंच नहीं रहा है जिसके कारण वो कंट्रोल नहीं करते हैं। तो हमारा प्रोजेक्ट ये था कि जहां पे भी आपका नर्व ब्रेक हो रहा है वहीं से हम जो है सिग्नल को इंजेक्ट करें ताकि वो उस बॉडी पार्ट को कंट्रोल कर सके। मैं आपको दिखाता हूं ये चीज, दो सेकेंड, इसके लिए मुझे कोई सामने अभी चाहिए होगा जिसको मैं कंट्रोल कर सकूं। मैंने कमर रख दिया है, दो सेकेंड टाइम दीजिएगा। ये मिल गया, मैं दिखाता हूं। तो ये मेरा अटैची है, ठीक है, और अभी मुझे याद आया, मुझे मेरा आर्डिनो इसमें मैं लगा के रखा हूं, ये आर्डिनो है, ये मेरा एम्पलीफायर है, ठीक है। तो जब भी आप किसी का सिग्नल, मेरा IoT से मैं थोड़ा सा भटक रहा हूं बट बता देता हूं, इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो मैं जब भी अपना सिग्नल जब एक्सट्रैक्ट करता हूं, मेरे जो ब्रेन सिग्नल है, मैं इलेक्ट्रोड लगा के जब इसको आउटपुट लेता हूं तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा कम होती है, ठीक है, वो इतनी कम होती है कि उसको इंटरप्रेट करना या समझना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो हम यहाँ पे एम्पलीफायर लगाते हैं, ये देखिए, ये मेरा आर्डिनो,
दो सेकेंड होल्ड करिएगा. दो मिनट के लिए होल्ड करिएगा, मैं दो मिनट में आ गया. ठीक है, बस दो मिनट. Yes, am I audible to all of you right now? Okay, so what I was explaining is, so now this is your amplifier. So what we do is, na, the signal that I'm taking from me right now, that has a very less value, okay? So what we do is, we amplify that value to interpret and to understand it. And after you have amplified that value, here we have one more device called tens unit. Okay, this is tens unit. So now you take that amplified value in tens unit, and then now once you have amplified that value, that gets converted into digital form. Okay, when you are taking this value through Arduino in this amplifier, so that converts into a digital value. And once you have a digital value, and now after you have amplified this value, now if you inject this to somebody else, so you will not be able to control them. Can anyone tell me that once the signal I have taken from me, now if I want to inject it to the Prime Gamer or Ujjwal, okay? Now if I want to inject it to you, so will I be able to directly inject it to you? No. The reason is because your body will not understand the digital signal, okay? So what we do is, we again convert that digital signal into analog signal using tens unit. So the good part about this tens unit is that you can convert digital signal into analog signal easily, and you can increase and decrease the values also. Here that you can see a regulator, you can easily increase and decrease the values of that signal. And then when you inject it to, just a second, okay. When you inject it to somebody, so their body is now able to understand that analog signal. And once I am doing something, the other person will automatically start doing it. Yes, Prime Gamer. Yes, it can happen online as well, but that's not recommended and that's not safe as well. Okay. You need to go through very like a lot of medical processes to get these types of projects made. Okay. Because you won't get a government approval very easily. Okay, that's very vast thing. And I took this project in one of the science festivals at Pune, and I had displayed it 2 years back. Okay. So, yes, this is all about human neuroscience thing. And that's completely a different topic. So let's not get into that. If you want to know more about this, so you all can ping me on my LinkedIn profile. And there we can connect and we can like discuss on this. Okay, let's come back to the IoT part. So now NodeMCU is basically, it helps you to control, like it not only gives you Wi-Fi connectivity, but it also helps you to control devices. Okay, because you have some general purpose pins here. Okay, and now these general purpose pins lets you control some of the very basic things. Okay, like if you are using a relay, okay, relay along with it. So what relay will do is, now relay will, I have told you in beginning only, okay, that you will be able to control a 220 volt of device using your NodeMCU of 5 volt only. Okay, the circuit diagram of it, I will share it on I will share the whole material with the organization or the team that is conducting this, and they will share that entire material drive link with you guys, and then you can have the access of it. Okay, then moving forward, NodeMCU, I'll wind it up very fast because eventually I want just
like I want to get onto the project part. Okay. So now this is very important. Installing ESP8266 in your Arduino Studio. So this is important. Okay. Now, if you want to code your ESP8266, so you cannot directly code it using your Arduino Studio. Okay. So what do you do in that case? You need to add the library. Okay. So in tools, you see serial monitor and serial plotter. Serial plotter is like I haven't connected the device yet, but here the graph of the signal, brain signal that I was talking about right now, you will be able to see the graph of it. Okay. Now, one thing I want to show, manage libraries. Okay. Now we were talking about sensors. Okay. So, जब आप अपने Arduino के साथ बहुत अलग अलग तरीके के sensors connect करते हैं, so वो sensor directly आप नहीं connect कर सकते क्योंकि वो नहीं चलेगा, ठीक है? So आपको बहुत अलग अलग sensor चलाने के लिए अलग अलग libraries add करनी होती हैं, and once you add that library, and then you are able to integrate that sensor with your Arduino board, ठीक है? तो Arduino board को control करने के लिए उससे जो आप sensor लगाएंगे, जैसे ये आपका ये भी सेंसर हो गया, क्या कहते हैं, दिस वन द एम्पलीफायर और ह्यूमिडिटी सेंसर और एनी अदर टाइप ऑफ सेंसर, सो यू नीड टू ऐड द लाइब्रेरी ऑफ दैट सेंसर टू रन दैट. नाउ इफ यू वांट टू कनेक्ट योर ESP8266, सो हियर आई एम शेयरिंग अ PDF, यू कैन वेरी इजिली ऐड दिस लाइब्रेरी. ओके, यू विल गो टू फाइल्स, हियर यू कैन सी दिस फाइल्स. Here you can see the file. Once you have added the library, you will go to files, and from here you can follow the steps same as this one, as I have shared here, and you will follow the same steps and you will be able to integrate your ESP8266 library into your Arduino IDE. Okay, and this is something I will share the entire material with you guys, and you will be able to understand everything very easily. Okay, because I don't have the hardware right now, so you won't I won't be able to demonstrate and show it to you, but that's how it works. Now, very important, this is Blink. How many of you have heard of Blink before? How many of you have heard of Blink before? ESP8266 module without CP1202 kaise kaam karna hai? It will auto. I'll share you the material, Shreyansh. Okay, don't worry. You don't need a CP2102. Okay, you can directly code your ESP8266. How many of you have heard of Blink? BLYNK. BLYNK. Blink. This is an app. I don't know if it is visible to you right now. Blink is an app. Okay. So for IoT, Blink is an app. Yes. So Blink is an app. Okay. So what you do is now when you want to control your home appliances from your mobile phone, so you need to also design an app. Okay. And that app, you have various buttons and various functionalities that lets you control your home appliances. Okay. So now you can't. Now, if you are an electronics engineer, or maybe if you are not from a CS or IT background, and now you want to control or make such devices, so that's not possible for you to make an app. Okay. So we have many third party apps. Okay. Like Kine, Blink, and many other, even Arduino, like lets you do that same thing. So what they do is they have drag and drop feature. Okay. You all go through this. Okay. You all go through this, and they have drag and drop feature, and you can easily make a app or the code for your controlling your home appliances without actually coding it. Got it, all of you? Yes, you all have to like self discover it out, because you will all have to self figure it out, kyunki it's very obvious. I can't teach everything in half an hour. Okay. So I'm just telling you everything so that you all can explore those things. Okay. I will share everything, whatever I have taught,
all the PDF and everything that I have with you guys. Okay. Explore Blink, then only you will be able to understand this. Okay. For this Blink, I'm sharing a material also. What basically does is it helps in creating us the connection between the server and the client. It gives you cloud feature and all. So basically, if you make an app where you have made two buttons, LED on and LED off, so now you don't need to code it. You will just bring a button, you will paste it here. Again, you will bring a button and you will paste it here, and it will automatically code itself. Okay. And now once you have connected it with the Wi-Fi module, now you will be able to easily control the LED or whichever appliances you are connecting with it. Okay. It's very easy. I will share it with you, and you will be able to understand everything very easily. All this material I'll share with you guys. Don't worry. So now we have various projects. Like if you want to connect this DHT sensor, DHT1 sensor, it is basically a moisture sensor. So here, everything is explained, the circuit diagram and all everything. What are the things that you require and what are the needs that you have to connect it, everything related to it. All the circuit diagram, everything will be explained here, and you can easily code it. The code is also this small, very small. Okay. So for that, we need much time to understand everything. And I don't think so it's possible right now. So what I will do is I will brief everything in short. Patent. So again, before closing everything, I will let's come on this. Now look on this thing. This is very important. Okay, so when it comes to designing project, okay, so we all don't know which type of project to make, from where to make. People go through lots of YouTube videos to figure out the right project. Okay, so now if you want to find out a gold mine where you can make any type of project that you want to, simply go to Arduino website. Okay, now if you come on this Arduino page, so here you have many things. Okay, so from softwares, you can install the softwares. And now if you go to this feature called community, okay, in community you will find Project Hub. Okay, now if you click on Project Hub, you will find n number of projects here, many projects. You even can't count the number of projects that you have. Okay, you can click on any of these projects, okay, and you will get the entire instructions how you can make these projects. Okay, what are the components that you need to order, jumper wire, about the project, how it works, its code. You can see the code is very small. Actually, the codes for Arduino is very small. Okay, you can download these codes very easily, and you just need to follow the instructions as it is given, and you will be able to make that project very easily. Okay. And apart from Arduino website, you can also refer Instructables. Instructable is also a website from where you can get many projects. And from there, you can choose any of the project and you can easily make it. So the session was supposed to be happening till 2:30 only. So we have 8 minutes only. So that's why I'm trying to sum it up. So the whole idea of this is that it's on you. It's on starting things. Okay, now I have already told you that from where you can make project, what are the things that you need to get started and everything. Now it's on you how you can start, and once you start making projects, it's for your beneficial. Okay, we always dream of things like, yes, we need to start project, one day I will start making projects, and then you keep delaying that, we will maybe do a training and then start making project. Then you go to second year and then you feel like, maybe I'll choose go with some internship. You just keep looking for people to motivate you for the training, for getting started, but eventually no one starts.
Okay, so it's on taking initiative. Instead of having pizza or something, take out like $1,000 or 1,500. That's hardly what is going to be like the budget of any project. Spend that much money, order an Arduino, order some sensors, order some motors, and then you can easily make as many projects as you want to. Now, when it comes to like buying things, okay, so you will get most of the thing on Amazon, but the drawback of Amazon is that the products are quite expensive. Okay, so I would prefer that if you have any electronic shop nearby, go and try buying products from there and don't waste much of money on Amazon, because you know, even if you're ordering a simple jumper wire, na, it's going to cost you much on Amazon. Even the jumper wire is basically of maybe 15-20 rupees, but if you look at it on Amazon, it's going to cost you 50 rupees, so 60 rupees, and that too delivery charge. So I would prefer going on an offline shop and buying, and Arduino would not cost you more than 400 or 500 rupees. Okay. So buy an Arduino, buy sensors of 50, 60, 70 rupees and get started with it. Okay. So I would recommend first start working on some of the analog projects. Once you've done some analog projects, buy an Arduino, do some digital projects. And once you've started like getting the concepts of digital projects, go with the IoT part, then order for ESP and then start working on projects which is entirely based on ESP. And once you have understood analog, digital and then IoT, then try to integrate all these three things and then make big projects. So it is win-win game for the students who are there in first year and second year. If you start it from now, by the time you will reach final year, you can come up with a great idea. And if you look for the last time that when my final years are closed and then you have to make a project which is like going to be a final year project, if you start then, you will not be able to make a good project. Also, I would recommend you to go through various research papers and patents. These are some of the research papers I have published when I was in college. You can see, this is a patent I published when I was in college. This is a raw form. The actual patent is like, I have somewhere saved that file. These are the patents that I have filed when I was in college. Okay. These 5-6 patents I have filed. Okay. 5-6 patents I have filed. 2 were accepted and many research papers I have published. 1 or 2 were accepted. Okay. So keep reading many research paper, keep exploring. And it's totally on you that how much you are able to explore, because ultimately everything is going to be dependent on you. Okay. No one can push you guys for so long. So you will have to stay self-motivated to keep doing. Okay. Anything else you all want to know from me? Anything specific you want to know from me? Any questions? If you have any questions, you can ask me, because we are like almost about to close the session. Any questions, anyone? Any questions, anyone? I'll give you 1 minute. Any question if you want to ask me. Also, you guys can connect with me on LinkedIn. Okay. And if you need any help, I will be more than happy to help you all. Okay. LinkedIn is the platform. Okay. I don't remember my LinkedIn. Just a second. I will share my. The difference between Atmega 8 and 32 is basically of functionalities, but you don't need to get into what Atmega 8 and 32. You simply order the AVR or the Arduino, and there you will get the Atmega pre-made. Okay. Just a second. I'm sharing.
okay, I can't send you all in message in chat. So you can simply look for Anubhav Mishra Cypher Schools on LinkedIn and you will find me out. Okay. Okay, I'm sending. Just wait. Vanshika will help me out. Just a second. Where it is. Just a second. I'm sharing, just give me a second. I've shared the link of my LinkedIn. Okay. I've shared the link of my LinkedIn profile so you all can connect with me on LinkedIn. And if you have any query, anything you want to know, you can ask me on LinkedIn. Okay. And yeah, anything. Okay. Robotic Society and ITH. Okay. So LinkedIn profile, it has been shared. And then you all can connect me and ask me anything there. I'll be more than happy. You can also connect me on call. I'll share my number when you just get in touch with me on LinkedIn. Apart from that, if you have any questions, you can ask with me. You can ask me any question if you have right now. And how was the session? I didn't had components. I'm sorry for that. I didn't had components, so I couldn't make any project. So I eventually thought of covering everything and giving you the gist of technology, how to get into the thing. How was this session, guys? Okay. So, yes, thank you, Swami Shreyansh. Thank you. Okay. And okay, we'll connect on YouTube. Thank you, Vishnu. Thank you, Mahima, Vishnu, Shreyansh. Okay, so yes, now I have completed the session. Thanks for tolerating me for almost 2.5 hours. And yes, you all can leave the session now. Okay, you all can leave the session. I'm almost about to close. Bye bye, all of you.